स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐमसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिरगमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थान में माताओं के साथ बहन बेटियों के साथ संवाद करने का एक सुयोग बना है, जहां कोई महापुरुष तप करता है वो स्थान तीर्थ हो जाता है, जहां कोई महापुरुष लंबे समय तक वास करता है वो स्थान कहते सिद्ध पीठ हो जाता है। महापुरुष का एक चरण जहां पड़े वो स्थान तो तीर्थ होता है, और जहां कोई महापुरुष लंबे समय तक तप करे वो स्थान सिद्ध पीठ हो जाता है। इसलिए महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थान यह तीर्थ भूमि तो है ही, यह एक सिद्ध पीठ है, और उस महापुरुष के तप का प्रभाव आज तक इस धरती पर देखने को मिल रहा है। मैं तो जब भी मां के बारे में सोचता ही हूं तो ही मेरा हृदय प्रेम से, करुणा से, मां की वात्सल्य से और मां के उपकारों को स्मरण कर करके संपूर्ण मातृत्व के प्रति कृतज्ञता से हृदय भर जाता है। कितना तप करती है मां मातृशक्ति, एक मां कितना तप करती है इसके बारे में सोचते भी हैं तो मैंने कहा हृदय उनके तप, उनका त्याग, उनका समर्पण, इन सब को देख करके कृतज्ञता से भर जाता है। सिक्किम, मेघालय एक दो प्रांत ऐसे हैं जहां पर कहीं विश्व में भी एक दो स्थानों पर कहीं ऐसा होता होगा कि बेटियां लड़के को ब्याह करके अपने घर में लाती हो, लड़कों को बोला जाए ना कि शादी करके लड़कियां तुमको अपने घर में लेकर के आएंगी, तो बहुत से तो लड़के शायद शादी नहीं करवाएंगे। अपने माता पिता के घर को छोड़ना, ये तो इन्होंने बचपन से इनको देख लेते हैं कि जैसे हमारी माँ दूसरे घर से आई थी इसी घर को अपना घर मान करके वो जो है उसने हमको तैयार किया, हमको पैदा किया, और ये दुनिया तो ऐसी चलनी, इसलिए एक एक्सेप्टेंस, एक स्वीकार्यता पहले से ही इनका मानस तैयार होता है कि हमको ऐसा करना है। नहीं तो अपने माता पिता का घर छोड़ करके किसी पुरुष को अपना पूरा समर्पण कर देना और उसके माता पिता को अपने माता पिता के स्वरूप में स्वीकार करना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना, ये केवल माँ ही कर सकती है, बेटियां ही कर सकती हैं और दूसरा नहीं कर सकता।
और 99% माँ बहन बेटियां पुरुष को ऊपर रखती हैं, 1% कोई जो डिक्टेटर होती है उनकी बात नहीं कर रहा। देखो घर परिवार में कहीं पर भी हो, घर हो, संस्था हो, कोई भी सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी एक को बड़ा मानना पड़ता है, नहीं तो फिर संघर्ष चलता रहता है। इंस्टीट्यूशन में भी कि फाइनल अथॉरिटी कौन है, किसकी बात अंतिम मान्य होगी, उसके बिना ऑर्गेनाइजेशन मूव नहीं कर सकता। आपका फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, आपका सोशल पॉलिटिकल स्पिरिचुअल रिलीजियस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक व्यक्ति की को सर्वोपरि मानना होता है। तो इस हिंदुस्तान की माँ बहन बेटियों ने पुरुष को सर्वोपरि मान लिया है, लेकिन मैं सम्मान की दृष्टि से तो इस बात को कह सकता हूं, लेकिन आज काम की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से माँ बहन बेटियों का भी पुरुषों से कम योगदान नहीं है, बराबरी में लगभग आकर के खड़ी हो गई है। लेकिन अपने अहंकार को नीचे रखा है, अपने अहंकार को नीचे रखा है, लेकिन काम में, तप में, श्रम में, पुरुषार्थ में, समर्पण में सबसे आगे। मैं तो एक दिन ऐसे ही सोचने लगा कि माँ को माँ बनने के लिए कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, ये सह करके माँ की ममता जो है वो है जो उसको तप के लिए प्रेरित करती है, ये छोटी बात नहीं। आदमी के हाथ में 2-3 किलो वजन दे दो और उसको बोलो कि 9 घंटा ऐसे ही पकड़ के रखना है, 2 घंटा में फेंक देगा, बोलो नहीं पकड़ा जाता है। ये माताएं बहने हैं जो 2-3 घंटा 9 घंटा नहीं 9 महीने तक अपने पेट में किसी को ढोती है, वो बाद में क्या करेगा वो दुनिया जाने। हाँ, वो क्या, वो बेटा होगी, बेटी होगी, बेटी क्या करेगी, बेटा क्या करेगा उसको नहीं, लेकिन उसकी ममता है जो सब कुछ सहती है। 99% माँ बहन बेटियों को माँ बनने के बाद कोई ना कोई शरीर में रोग हो जाता है, 99% को। एक तो पेट की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मोटी तो हो ही जाती है, शादी से पहले ये जितनी होती है, शादी के बाद ऐसे तो 2 होती हैं, खुद भी दुगनी हो जाती है। एक प्रक्रिया है, उसमें कुछ तो साइड इफेक्ट इनके जो प्रकृति नेचर के होते हैं, और कुछ फिर थोड़ा असावधानी भी कर देती है। लेकिन वो आज बताऊंगा कि आप 100 साल तक फिर मोटी नहीं होंगी, वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स तो आती ही है ना। नॉर्मल डिलीवरी हो तो भी कुछ प्रॉब्लम आती हैं, और सीजन हो तो फिर तो पूरी लाइफ के लिए कुछ प्रॉब्लम आती हैं। जब माताओं बहनों को पीरियड स्टार्ट होता तो उस समय उनको प्रॉब्लम आती है, जब पीरियड बंद होता है तब उनको प्रॉब्लम आती है, माँ बनती हैं तब उनको प्रॉब्लम आती है, आफ्टर जो है डिलीवरी उनको प्रॉब्लम आती है, जब बेटियाँ पैदा होती हैं तब उनको अलग प्रकार से उनको एक अलग फेस करना पड़ता है कुछ, माने शुरू से अंत तक यदि कोई संघर्षों में जीने का नाम है तो उसका नाम है माँ बहन बेटियां। माँ ही संघर्षों में जीती है, बात ये कोई छोटा काम नहीं। दस ग्यारह बारह साल की उम्र से माँ बहन बेटियों को ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, करीब 50 साल की उम्र, 45 से 50 साल की उम्र तक चलता है। इसका कुल मूल्यांकन करो तो कितना क्विंटल खून बहता है, किसके लिए, एक माँ बनने के लिए। माँ बनने के लिए लोग रक्तदान, एक बार खून दे देने तो सोचते मेरे अखबार में फोटो छपे, कोई एक बार ब्लड दे देता है ना तो एक बार मेरा जरूर फोटो छपना चाहिए, लोग कहें देखो कितना अच्छा आदमी ब्लड डोनेट करता है। ये माताएं इंसान को जन्म देने के लिए, एक माँ शायद अपनी जिंदगी में कम से कम 3-4 या 5 क्विंटल, 3 से 5 क्विंटल खून बहता है तब एक माँ माँ बनती है। वो प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है। तो 3 से 5 क्विंटल खून
बहा करके जिन आदमियों को पैदा करते हैं, फिर वो कहते हैं हम स्त्री से बड़े हैं। मैं कहता हूं पुरुष स्त्री से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष को पैदा करने वाली भी माँ ही होती है, इसलिए पुरुष से भी बड़ी माँ होती है। मैं खुद पुरुष होकर के इस पुरुष के शरीर में मुझे जन्म मिला है। लोग कहते हैं पुरुष बड़ा होता है, मैंने कहा नहीं, बड़ी तो माँ ही होती है, क्योंकि माँ ही पुरुष को पैदा करती है। उसका पुरुष का कंट्रीब्यूशन यदि 1% है, तो 99% कंट्रीब्यूशन इस मानवीय अस्तित्व को प्रकट करने में माँ का है। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक माँ की का जो तप है उसको आप देखेंगे तो कुछ लोग कहते हैं, आपने देखा होगा कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत नहीं पहनाते, ये तो महर्षि कर्वे, महर्षि दयानंद ऐसे कुछ महापुरुष हुए, इन्होंने मातृशक्ति को बहुत सम्मान दिया। मैंने एक से पूछा, भाई स्त्री को जनेऊ क्यों नहीं पहनाते? बोलो ना वो अपवित्र होती हैं। मैंने कहा अपवित्र कैसे होते? बोलो उनको पीरियड होता है ना, नाभि के नीचे। मैंने कहा तेरे नीचे अमृत टपकता है क्या? नाभि के नीचे तो मलमूत्र ही सबको निकलता है। अरे नाभि के नीचे से यदि जो है माताओं बहनों को यदि प्रसव होता है, तो अपवित्रता का नहीं, वो प्रसव से ही पुरुष पैदा होता है। इसलिए यदि पुरुष पवित्र है तो उससे लाख गुना ज्यादा माताएं पवित्र हैं, पवित्रता में भी, तप में भी। ये मैंने इसलिए इस बात को कहा कि, और एक बात और सुन लो, कुछ लोग सोचते हैं ज्यादा पुण्य हो तो पुरुष पैदा होता है। बोले हमारी तो किस्मत ही खराब है इसलिए स्त्री बन गए, कुछ ऐसी बातें भी करते रहते हैं, हमारे तो भाग्य कम खराब है इसलिए स्त्री बन गए, पुरुष बनते तो दादागिरी करते। जिनके पुण्य ज्यादा होते हैं, सुनना जरा सब बहन बेटियों को, मैं एकदम ही बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कभी भी अपने भीतर हीनता का भाव मत लाना, आत्मग्लानि का भाव नहीं लाना। मैं तो इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, मुझे भगवान ने ईश्वर के विधान के अनुसार मुझे पुरुष का जन्म मिला है, लेकिन यदि मुझे माँ का भी जन्म मिलता तो मैं इससे भी लाख गुना ज्यादा खुश होता, मुझे कोई इसमें कहने में आपत्ति नहीं है। क्योंकि माँ का जो स्थान है वो पुरुष से बहुत ऊंचा है साहब, किसी का पुण्य ज्यादा होता है उसी को भगवान माँ के रूप में जन्म देता है, जिसके थोड़े पाप ज्यादा होते हैं उसको पुरुष का जन्म मिलता है। ये जितने भी पुरुष बैठे हैं ये थोड़े से पापी हैं माताओं की अपेक्षा। इसलिए कोई भी माँ बहन बेटी के जुबान से नहीं आना चाहिए कि हमारे पुण्य कम थे इसलिए हम स्त्री बन गए, जिसके पुण्य ज्यादा होते हैं उसको ही स्त्री के रूप में जन्म मिलता है। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको हकीकत कह रहा हूं। अब तुम्हारी बहुत बड़ाई हो गई, अब तुम्हारी खिंचाई करता हूं, बड़ाई नहीं कि मैंने हकीकत आपके सामने कहा। मैं हमेशा भगवान के बाद दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर माँ को ही मानता हूँ, और सन्यासी होने के बावजूद भी जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो अभी भी जीवित है। जब माँ मेरे सामने आती है तो मैं आज भी उसको चरण छू करके ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं सन्यासी हुआ तो क्या हुआ, पहले तो मैं माँ का एक बेटा था, बाद में मैं सन्यासी बना। माताओं बहनों के लिए योगाभ्यास बताता, और माताओं बहनों की प्रॉब्लम से रिलेटेड जीवन का एक मंत्र तो मैं हमेशा देता हूं कि भगवान ने हम सबको प्रथम होने की शक्ति दी है। भगवान ने हम सबको क्या बोला? प्रथम होने की, बोले तो शक्ति दी है सबको। तो हम हेल्थ और फिटनेस में हो सकते हैं नंबर वन, नॉलेज में भी नंबर, कैरेक्टर में भी नंबर, सच्चाई बोलने में भी नंबर, ईमानदारी में भी नंबर, और झूठ बोलने में, टीवी देखने में
चुगली करने में नहीं, इधर उधर के लगाने में बहुत मजा आता है किसी किसी को। हेल्थ और फिटनेस में नंबर, हमारे स्ट्रक्चर भी और बॉडी के करेक्टर भी, हमारा करेक्टर और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? चमकता हुआ चेहरा, उभरे हुए गाल, काले काले बाल, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, भुजी मजबूत मजबूत जंघाएं, भुजाएं। ऐसा नहीं कि पूरा गोल मटोल, फुटबॉल पता ही नहीं लगता कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हो गया पूरा ब्रह्मांड। ऐसा नहीं, तो योगाभ्यास करेंगे ना तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर भी अच्छा रहेगा और आपका करेक्टर भी बहुत नंबर वन का होगा। अच्छा, भगवान राम को कितने हाथ थे? माता सीता को भी, भगवान शिव को भी कितने हाथ थे? माता पार्वती को भी। और आंखें कितनी थी भगवान शिव की? तीसरी कहां थी? यहां थी। तो यहां आंख लगती है किसी को? ये ज्ञान का चक्षु था, वो तुम्हारे भीतर भी है। दिव्य दृष्टि जिसको उपलब्ध हो जाए उसको कहते हैं वो थर्ड आई उसको की खुल गई है। सुनो, तो सब हमारे जैसे, सब महापुरुष, सब ऋषि मुनि, सब हमारे जैसे। तो सबके अंदर जब एक जैसी पावर है, एक जैसा स्ट्रेंथ है, इक्वल सबके अंदर ब्रेन है, इक्वल नॉलेज है, तो सबके नंबर एक जैसे क्यों नहीं आते? टैलेंट तो सब में इक्वल है लेकिन वो साइलेंट है। टैलेंट तो है लेकिन, जोर से बोलो, साइलेंट है। जैसे दिया सलाई होती है ना, मैच बॉक्स होती है ना, माचिस, और उसमें क्या होती है? आग, फायर होती है ना। मैच बॉक्स में क्या होती है? फायर। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? रगड़ना पड़ता है, है? ऐसे इस दिमाग को रगड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं तो तुम कल से सिर रगड़ने लग जाओ कि बाबा जी ने कहा था रगड़ोगे तो दिमाग बढ़ जाएगा। दिमाग को रगड़ने का मतलब है ज्ञान कहां कहां से मिलता है बोलो? एक पुस्तक, दूसरा गुरु, ठीक है, तीसरा, अब मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा ले रहा हूं, सोर्स ऑफ नॉलेज, फर्स्ट इज बुक, सेकंड इज टीचर, गुरु, ठीक है। तो नॉलेज का पहला सोर्स क्या है? ज्ञान का पहला स्रोत पुस्तक, दूसरा गुरुजी, गुरुजन, तीसरा है? वो तो सारे गुरु में आ गए, माँ भी गुरु है, पिता भी गुरु है, जिससे भी सीखने को मिले सभी गुरु हैं। गाय से सीखने को मिले तो गो भी गुरु है, धरती से सीखने को मिले तो धरती भी गुरु है, जिससे भी सीखने को मिले, पूरा ब्रह्मांड हमें सिखाता है। तो ये नॉलेज का एक सोर्स है, होल यूनिवर्स इज सोर्स ऑफ द नॉलेज, सारा ब्रह्मांड ही। फिर चलो, सारा ब्रह्मांड से ज्ञान मिलता है, ठीक है। अगला, अरे कहीं पर भी जाओ नौकरी के लिए, किसी के लिए भी, तो क्या मांगते हैं सबसे पहले बोलो? एक्सपीरियंस, अनुभव से सीखता है आदमी सबसे ज्यादा। किससे सीखता है? अब आपने पुस्तक में पढ़ लिया नीम कड़वा होता है, नीम कड़वा होता है, लेकिन जब तक खा के नहीं देखोगे तब तक पूरा ज्ञान, ये प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, अनुभव से। और सबसे बड़ा स्रोत बताओ ज्ञान का, बोलो ना। अरे सबसे बड़ा स्रोत तो भगवान है, सारी चीजें जहां से आती है। ऐसे बैठ जाओ और आपके अंदर डिवाइन इंट्यूशंस होने लगेंगे और वहां से डिवाइन नॉलेज होता है। ये जो हम बाहर का पढ़ते सुनते करते धरते हैं ये सब सेकेंडरी है। दुनिया में नया इन्वेंशन, नया रिसर्च और दुनिया को नया नॉलेज वो देते हैं जिनके भीतर की आंख खुल जाती है और जिनके भीतर परमात्मा की प्रेरणा का स्रोत, वो जिनको भीतर से भगवान के ज्ञान का स्रोत जिनको भीतर से मिल गया, फिर वो दुनिया में नया ज्ञान दे करके जाते हैं। हमको ये सामान्य ज्ञान तो पाना ही है, हमें दिव्य ज्ञान पाना है और इस धरती के ऊपर नया काम करके जाना है, एक इतिहास बना करके जाना है, ये आपको कहना चाहता। तो खैर, ये कैसे होगा? ये योग से होगा। क्या करना? (स्थाथ)
इस साइलेंट टैलेंट को, साइलेंट नॉलेज को, साइलेंट पावर को एक्टिवेट करने का मेथड है। हर एक चीज है, हर एक दुनिया में सब कुछ है, उसको पाने के लिए क्या है, एक मेथड है। तो मेथड आना चाहिए। दिस इज द मेथड ऑफ सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ विजडम, सेल्फ विक्ट्री। भस्त्रिका 5 मिनट्स। तो इससे माताओं बहनों की ब्रेस्ट का भी पूरा विकास होगा। किसी किसी की ब्रेस्ट ज्यादा हो जाती है, किसी किसी की पूरी विकसित नहीं होती। ये भी एक प्रॉब्लम है, लेडीज में भी, जेंट्स में भी। किसी किसी की फोटो खींचो ना तो ऐसा आता है जैसे एक्सरे करवा दियो। और माताओं बहनों का यदि ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं होगा तो खराब लग, एक BMI का एक नॉर्मल पैरामीटर है, वैसा तो होना ही चाहिए ना। तो जिन माताओं बहनों की ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं होता, चेस्ट का पूरा विकास नहीं होता, वो क्या करें? छाती का, पुरुषों का, माताओं बहनों का भी ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं होता तो क्या करें? तो माताएं बहनें शतावर ले सकती हैं और ये प्राणायाम करें। और एक इसमें एक और प्राणायाम है, भर के रोक के रखना अंदर, देखो ऐसे। से भर करके रोक के रखना, फिर छोड़ देना। तो ये इसमें एक तो हार्मोन्स का कंट्रीब्यूशन होता है, दूसरा जो शरीर के अंग विशेषों का व्यायाम। तो ये आपकी ब्रेस्ट के लिए एक्सरसाइज भी होगी, ये लोकल एक्सरसाइज हो गई। कितनी देर करना? 5 मिनट्स। ऐसे नहीं करना, पांच मिनट भस्त्री का। इससे फिर एलर्जी की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड, कपालभाति, ये बहुत जरूरी। माताओं बहनों की 15-20 बड़ी बीमारियां हैं, उनके बारे में बताता हूं। एक तो सिर में दर्द, जिस किसी को देखो माथा दुखता, और जिसको पढ़ाई भी ना करनी हो तो माथा दुखता है, पेट दुखता है। वैसे ये तो बहाना करने वाली बात अलग है, ये सिर में दर्द की प्रॉब्लम बहुत रहती है। जो कपाल भाती अनुलोम विलोम करेंगे, सिर में दर्द कभी होगा ही नहीं लाइफ में आपको। एक ये माइग्रेन पेन की कोई दवाई नहीं है वर्ल्ड में। जो पेन किलर लेते हैं 4-6-8 घंटा उनका असर रहता है, बाकी फिर सिर में दर्द स्टार्ट। सिर दर्द के लिए तो एक इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी उसने क्लासिफिकेशन किया हेडेक का, तो 59 प्रकार के सिर दर्द को क्लासिफाइड कर दिया कि पीरियड के टाइम दर्द होता है, फिर जो है किसी को ज्यादा कफ बनता है तो उसको पेन होता है, स्ट्रेस से पेन हो जाता है, फिर किसी को और दूसरे रीजंस दिए कि किस किस कारण से सिर में दर्द होता है। ज्यादा धूप लगने से सिर में दर्द हो जाता, ज्यादा गर्मी से, ज्यादा सर्दी लग जाए तो भी माथा दुखता है। ऐसे उन्होंने 59 प्रकार के रीजन दिए कि सिर में दर्द क्यों होता है। फिर बाद में भी पता ही नहीं लगा किसी किसी का ये होता कैसे है, तो उसको लिख दिया अननोन हेडेक। पता ही नहीं, बोलो कैसे होता है। किसी भी कारण में सिर दर्द होता रहो, कपाल भाती और अनुलोम विलोम करना, सिर में दर्द नहीं होगा। ये माताओं बहनों की बड़ी प्रॉब्लम है, माइग्रेन पेन। फिर माताओं बहनों की और प्रॉब्लम, बाबा जी ना चेहरे के ऊपर काला काला हो जाता है, फिर क्या लगाती है? फेयर एंड लवली लगाती है। फेयर एंड लवली लगाने से किसी को फेयरनेस नहीं आती। हाँ, एक आदमी ने अपनी भैंस के ऊपर ट्राई किया, उसके पुट्ठे पर 5 साल तक लगाया, 1 इंच भी गोरी नहीं हुई। और गोरा और काला जैसा भगवान ने रंग दे दिया वो सबसे अच्छा है, लेकिन ग्लो रहना चाहिए, तेज शाइनिंग। तो प्राणायाम करोगे ना
सौ साल तक, जैसे आपका 10-15 साल की उम्र में आपका चेहरे का के ऊपर ग्लो शाइनिंग होती है, उस समय आप निर्दोष होते हैं, चालाकी नहीं होती। 10-15 साल की उम्र में जैसे आपके चेहरे पर ग्लो है, ऐसे ही 100 साल तक आपके चेहरे पर ग्लो रहेगा। ये कर लेना। माताओं बहनों की एक और समस्या, हीमोग्लोबिन कम रहता है। कपाल भाति करने वालों का हीमोग्लोबिन 14 से 17 के बीच। मुझे 15 साल हो गया अनाज खाए, कितने 15 years, और मेरा हीमोग्लोबिन है 17.5, 17.5। क्या करता हूं, क्या खाता हूं, हवा खाता हूं, और खाने में मेरे लिए बहुत श्रद्धा भाव से लोग बनाते हैं, बाबा जी ये सब्जी खाओ, ये सब्जी 3-4 तरह की सब्जी बनाती, मैं एक एक चम्मच सब्जी खाता हूं, एक एक चम्मच, इतना ही सा, इतनी सी सब्जी, इतना सा दूध या दही, बस इतना सा ही खाया, अभी भी सुबह भी इतना सा ही खाया, अब मेरा खा पी करके इतना है। और बहुतों का बिना खाए पूरा पेट का पूरा डाइनिंग टेबल है, इंडिया गेट है, और मेरा करोगे ना, बोले बाबा जी यहां तो पूरा ट्रैफिक जाम है, सबको अच्छा लगता है ना। एक बोले बाबा जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, किससे प्यार करती हूं, आपके पेट से प्यार करती हूं, आप जैसा पेट हमारा भी होना चाहिए। मैंने कहा करो कपाल भाती, सबका पेट कितना होना चाहिए, जैसे हमारी भुजाएं कितनी होनी चाहिए, हमारी भुजाएं जब ऐसे पकड़े ना तो 2 इंच से ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए, और पैर पकड़े तो ऐसे पकड़ में आ जाना चाहिए, हाथ ऐसे पकड़े तो 1-2 इंच का फासला होना चाहिए, पूरा पकड़ में आ जाता तो अंडरवेट है, ज्यादा मोटे रहते हैं तो ओवरवेट है, पैर पकड़ो तो ऐसे इसमें आना चाहिए पकड़ में, ठीक है, पेट पकड़ो तो पीछे अंगूठा लगाओ तो सामने से ऐसे पकड़ में आना चाहिए, आ गया ना आपका भी, अभी तो आ गया है, माताजी बनके भी आना चाहिए, ये बढ़ना नहीं चाहिए ये घेरा, ओ किसी किसी को तो पूरा ऐसे ऐसे पकड़ना पड़ेगा ऐसे, ऐसे। फिर अग्निसार, ये तो थोड़ा वाला हिलाया है, वो पूरे वाला तो ऐसे होता है, हिलाने की कोशिश की, आगे से तो कुछ निकला नहीं, पीछे से हिलाने लगा, कपाल भाति करोगे ना तो एकदम तुम्हारी बॉडी एकदम परफेक्ट है, कि सबको फिट बॉडी चाहिए ना, एकदम फिट बॉडी, एकदम दिखने में सब स्मार्ट दिखना चाहते हैं, अब स्मार्ट बनने के लिए योग करो, 100 साल तक जवान रहोगे। फिर माताओं बहनों की दूसरी प्रॉब्लम, एक तो ये स्किन में डिजनरेशन होता है तो डेड स्किन सेल्स बढ़ने लगते हैं, फिर इधर आंखों के नीचे काला काला हो जाता है, तो सुबह उठ के रख के तो मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को धोया करो, कपाल भाती क्या करो, 100 साल तक आपको डार्कनेस नहीं आएगी यार,
फिर किसी किसी को जो है ये जो है ना चेहरे पर रिंकल्स हो जाती है। योग करेंगे तो 100 साल तक रिंकल्स नहीं होंगे। आपने देखा होगा बुढ़ापे में आंखें अंदर घुस जाती हैं, चेहरा चिपक जाता है ऐसे जैसे किसी ने आम चूस करके गुठली फेंक रखी हो, बुरी हालत हो जाती है, किसी को अच्छा नहीं लगता है ना, जैसे मुनक्का की तरह सिकुड़ जाते हैं, फिर ऐसे रिंकल्स पड़ जाते हैं। प्राणायाम करना, योगाभ्यास करना, थोड़ा सा हरी सब्जी ले ले और सिंपल फूड बस। देखो क्या खाते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, साकार तो करना ही चाहिए, लेकिन साकार में भी क्या उसमें से कितना पचाते हैं। हाथी देखो पत्ते खाता है, पष्टा मस्टंडा है एकदम, बहुत बलवान होता, हाथी से ज्यादा कौन बलवान होगा। घास फूस खाता है, दाल रोटी खाने को जिनको मिल जाए बस कपाल भाती करो, एकदम परफेक्ट रहेंगे, रिंकल्स नहीं होंगे। अच्छा और मातो बहनों की क्या प्रॉब्लम, ज्वाइंट पेन बहुत रहता है मातो बहनों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। प्राणायाम करने वालों को किसी को ज्वाइंट पेन होता ही नहीं है। ESR नॉर्मल रहेगा, यूरिक एसिड नॉर्मल रहेगा, आर इफेक्टिव नॉर्मल होगा, ऑस्टियोब्लास्ट ऑसोक्लास्ट सेल्स नॉर्मल रहेंगे, बोन फॉर्मेशन बोन रिजर्वेशन ठीक रहेगा, कभी जिंदगी में हड्डियों की अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अगली प्रॉब्लम, पीरियड के दौरान किसी को बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, किसी को ओवर ब्लीडिंग होता है, किसी को होता ही नहीं है तो दो दो तीन तीन महीने हो जाते हैं, किसी को दवाई लेनी पड़ती है, किसी को लिकोरिया की प्रॉब्लम है। इन सब बीमारियों के बारे में छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। कपालभाति प्राणायाम पीरियड के दौरान बंद किया जाता है, बाह्य प्राणायाम नहीं किया जाता। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ये तो सब समय 12 महीने और प्रेग्नेंट होने के बाद भी लेडीज कर सकती हैं, क्योंकि आपको मैं एडवांस नॉलेज दे रहा हूँ, आगे के लिए भी बता रहा हूँ। कुछ चीज़ों का हमको ना नॉलेज होना चाहिए, ये योग एजुकेशन ये सबको हो जाए, स्पिरिचुअल एजुकेशन, तो बाकी जो डिफरेंट प्रकार के यौन एजुकेशन की बात करते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं आपको इसलिए इस बात को बता रहा हूँ कि कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा तो पीरियड इम्बैलेंस नहीं होगा। कपालभाति करने से करो तो मेरे साथ, आप तो ऐसी बैठी हो जैसे योग का शो देखने आई हो, नहीं करना है सबको। यूट्रस में फाइब्रोस नहीं होंगे कपालभाति से, ओवरी में सिस्ट नहीं होगी कपालभाति से, फिलिन पिन ट्यूब कभी बंद नहीं होंगी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होने लग गए आजकल। पॉलीसिस्टिक ओवरीज होने से फिर पीरियड आता ही नहीं है, तीन तीन नौ नौ महीने बीत जाते हैं, और फिर यदि पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, ओवरीज में छोटी छोटी गांठें हो जाती है तो माँ ही नहीं बन पाती है, और यदि यूट्रस में फाइब्रोस हो जाए, ओवरी में सिस्ट हो जाए, गांठ हो जाए, तो फिर निकालना पड़ जाता है यूट्रस ओवरी को, फिर कभी माँ ही नहीं बन सकती। तो कपालभाति करना आपके लिए नेसेसरी है। बहुत आजकल प्रॉब्लम आ रही है, शादी के बाद 50% फिर इसी उसमें रहते हैं, बच्चे नहीं हो रहे। शुरू से करो ना योगाभ्यास, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आई। इनफर्टिलिटी का जो भी रीजन है, यूट्रस की प्रॉब्लम, ओवरी की प्रॉब्लम, फिलिपियन ट्यूब की प्रॉब्लम, ओवम ओवलेशन की प्रॉब्लम, वो भी नहीं होगी। किसी भी तरह का हार्मोनल इंबैलेंस, एक क्या ना प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता तो फिर लेडीज प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, ये आगे तक की बात बता रहा हूँ आपको। प्रोलैक्टिन लेवल एकदम नॉर्मल आ जाता है। प्राणायाम कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी करो, ओम, प्रोलैक्टिन लेवल एकदम नॉर्मल आ जाता है। थोड़ा थोड़ा करो, अब इसमें कुछ कंधे मटका रही है, कुछ गर्दन हिलाते, मुंडी नहीं हिलाना, कंधे नहीं हिलाना, कुछ पूरे हिलने लगते हैं, कुछ होठ हिलाने लग जाते हैं। मैंने एक से पूछा ये ऐसे क्यों कर दिया, बोलो ना श्वास बाहर छोड़ेंगे तो होठ तो आगे आएगा ना, मैंने कहा इसका होठ से क्या मतलब, तो श्वास तो नाक से निकलता, कुछ ऐसे कुछ अंदर खींचते, हाँ कुछ तो पूरी मुंडी हिलाते, ऐसे नहीं करना। राइट मेथड क्या है, खाली मध्य प्रदेश हिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हिलेगी, आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत गड़बड़ करने लग गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नियत ठीक हो जाए तो 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का मिल जाए, क्योंकि सारी पॉलिसी डिसीजन मैटर्स सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक हो जाए तो 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन मिल जाए देश को,
ये भ्रष्टाचार में मिट जाए और ये पक्षपातपूर्ण व्यवस्थाएं भी खत्म हो जाए, हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। इस समय 204 देश हैं, उसमें भारत का चौथा नंबर है। 200 देश हमसे पीछे हैं, जापान, चीन और अमेरिका हमसे आगे हैं। यदि भारत में से भ्रष्टाचार मिट जाए और काला धन आ जाए तो भारत विश्व का सबसे ताकतवर मुल्क होगा, और यह हमारे लिए बहुत गर्व और स्वाभिमान की बात होगी। कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, और सबको इक्वल एजुकेशन का राइट मिलेगा। आज गरीब और अमीर के बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है। अमीर के बच्चे 10-20-50 लाख रुपए का डोनेशन देके पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे तो उन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में, इंस्टीट्यूट में जा भी नहीं सकते हैं। मेरी जिंदगी का ये सपना है कि हिंदुस्तान के गरीब अमीर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अब चपरासी का बेटा हो, झोंपड़ी में रहने वाले गांव गरीब मजदूर का, वनवासी, आदिवासी का, दलित का, वाल्मीकि का बेटा हो, सबके लिए एक जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और सबके लिए शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। ये काम हम पूरा करवाएंगे, लड़ेंगे इसके लिए। बाबा जी 105 साल जिए थे, हम तो डबल सेंचुरी लगाने के चक्कर में हैं। कपाल भाती करो, मरोगे नहीं। अच्छा चलो, आदमी मरता कैसे? ब्रेन फेल होने से, ठीक है, हार्ट फेल होने से, लिवर किडनी फेल होने से, कैंसर होने से, ऐसे तो मरता है ना। तो जो योग करेंगे, करो ना, तभी तो पता लगेगा इससे क्या क्या होता है। जो कपाल भाती करेंगे उनका लीवर किडनी फेल नहीं होगा, उनका हार्ट फेल नहीं होगा। हार्ट फेल किससे होता है? हार्ट की प्रॉब्लम होती है हाई कोलेस्ट्रोल, हाई शुगर, हाई बीपी, हाई वेट, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, फिर तमाकू और जेनेटिक रीजंस। ये 7 कारण हैं हार्ट अटैक होने के। यदि 7 कारण नहीं होंगे, बीपी आई नहीं होगा, शुगर आई नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल आई नहीं होगा, मोटापा नहीं होगा, आपके फिजिकल एक्टिविटी बराबर रहेगी, तमाकू का सेवन नहीं होगा, आपके जीन्स अच्छे, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। योग करने से 7 रीजन खत्म हो जाते हैं। नो बीपी, नो शुगर, नो कोलेस्ट्रॉल, नो ओबेसिटी, दिस इज साइंटिफिक एक्सरसाइज ऑफ कंप्लीट बॉडी। तमाकू खाता भी होगा तो ठीक हो जाएगा। जेनेटिक चेंज आते हैं, एक एक जीन से लेकर, एक एक सेल से लेकर के, सेल्स के जीन्स, क्रोमोजोम्स, डीएनए से लेकर के, एक एक सेल से लेकर के होल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड कॉर्डियन सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोमन सिस्टम बैलेंस हो जाता है योग से। तो योग करने वाले व्यक्ति का एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम जब बैलेंस हो गया, उसके बॉडी में डिजनरेशन नहीं होता, डिजनरेशन से बुढ़ापा आता है, लाइफस्टाइल डिजीज आती है, तो योग करेगा तो बुढ़ा नहीं होगा, डिजनरेशन इतना स्लो होगा कि वो हमेशा तेजस्वी जवान दिखेगा, ना उसकी हड्डियां कमजोर होंगी, ना उसकी चमड़ी में रिंकल्स आएंगे, ना उसका हीमोग्लोबिन कम होगा, ना उसके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। माताओं बहनों की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, फिर ये सब करो कपाल भाती। जो कपाल भाती करेंगे वो बुढ़ा भी नहीं होंगे और बुढ़िया भी नहीं होंगे। आप ऐसे कोई बुढ़िया होनी चाहती? कर लो कपाल भाती, 100 साल तक तेजस्वी रहोगे। सच्ची बात बता रहा हूं, एकदम पक्की। हाँ, यदि मेरी बात फेल हो जाए तो मेरे ऊपर केस कर देना। आप बुढ़े नहीं होंगे और मरेंगे नहीं, हार्ट अटैक नहीं होगा, लीवर किडनी फेल नहीं होगा, ब्रेन अटैक नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो आप मरेंगे कैसे? मेरे से एक बोला, बाबा जी आप कब तक जिएंगे? और आजकल जो बेईमान लेता है ना, तो रोज दरखास्त लगाते हैं, इस बाबा को ऊपर बुला लो, भगवान कहता है मैंने तुम्हें मिटाने के लिए इसको भेज रखा है। कपाल भाती कर लो। तो मैंने पूछा उन पत्रकारों से, आपने देखा होगा एक बार टीवी पर बड़ा चला, बाबा ने कहा मैं 150-200 साल जीऊंगा। अरे मैंने कहा ये क्या बात, मैं मुझे ये बताऊं मैं मरूंगा कैसे? बोला बाबा जी आपको गवर्नमेंट मारेगी। मैंने कहा वो तो प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुई ना, वो तो हत्या हो गई। हत्या तो कभी भी कोई किसी की करवा सकता है, तो आप लोग बताओ आप भी योग करोगे तो मरोगे कैसे, बोलो ना।
बोले बाबा जी मरने के बारे में अभी सोचा ही नहीं है. सुनो, जो योग करते हैं वो मरते ही नहीं. मेरे साथ बोलो, नतस्य रोगो, नतस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम. न तस्य रोग, उसको रोग नहीं होता, न जरा उसको बुढ़ापा नहीं आता, न मृत्यु उसको मृत्यु नहीं होता. प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम. जो योग की अग्नि में स्वयं को तपा लेते हैं, तो इसलिए योगी मरता नहीं. क्या हो जाता है योगी? मृत्युंजयी. योगी क्या हो जाता है बोलो? मृत्युंजयी. ऐसी सती सावित्री बन जाओगी, मृत्यु को जीत लोगी तुम. इतने फायदे बता दिए, अब तो कर लो. आपको जिंदगी में कभी बीमारी नहीं होगी, कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी, मृत्यु नहीं होगी. कितनी बड़ी बात बता दी. और बुढ़े नहीं होगे, बुढ़िया नहीं होगी, गुड़िया जैसी रहोगी. ये कमाल बात. फिर इसे कोई देखो, पीरियड के टाइम पीरियड का इंबैलेंस नहीं होगा, हार्मोनल इंबैलेंस नहीं होगा. फिर जब पीरियड बंद होते हैं, आगे की सुन लो, जब 45 साल की होगी, नहीं तो फिर पागलों की तरह दवाई खाओगे और फिर पागल हो जाओगे. 45 साल में मेनोपोज का टाइम आता है, तो उस समय उसको बोलते हैं HRT. क्या बोलते हैं उसको? हार्मोन डिप्लेसमेंट थेरापी. उस समय बॉडी में बहुत तरह के इम्बेलेंसेज होने लगते हैं, पूरी चमड़ी ऐसे खींचने लगती है, बॉडी में हॉट फ्लैशेस होने लगते हैं, बहुत तरह के फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं. बुढ़िया ही नहीं सठी आते, ये बुढ़िया भी सठी आती है. हाँ, ये सठियाने का मतलब यही होता है. ये जो 50 साल के आसपास है ना, लेडीज में जेंट्स में, जैसे लेडीज के अंदर ये मेनोपॉज का टाइम होता है, ऐसे पुरुषों के अंदर भी वो हार्मोनल चेंज का टाइम होता है, उस समय चिड़चिड़े हो जाते हैं. जो योग करते हैं वो चिड़चिड़े, उनको गुस्सा नहीं आता, वो कभी नाराज, वो कभी नेगेटिव नहीं सोचते, वो किसी से झगड़ा करती है ना कभी कभी. जो योग करेंगे फिर आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे. कितनी बड़ी बात आपको कह रहा हूँ. जो गुस्सा ना करे, जिसको नेगेटिव थॉट्स ना आए, जो रिएक्ट ना करे, हा? और जो काम अपना पूरा करे, जिसके मन में खूब उत्साह रहे. हमेशा बच्चों की तरह ऐसे ही खुश ऐसे होते हैं, हमेशा देखो एकदम ताजगी से भरे हुए, उनको देखते ही अपने को एनर्जी आ जाती है. और कुछ ऐसे मनहूस खड़ूस ऐसे देखते रहते हैं, फिर मुंह भी फाड़ लेते हैं, मक्खी मच्छर भी अंदर ही चले जाते हैं. किसी को देखते हैं ना, अपने को ऐसा लगता है सुबह सुबह किसका दर्शन हो गया. और किसी को देख करके इतना अच्छा लगता है, बोलना थोड़ी देर रोज मिल लिया करो, आपको मिलके बहुत अच्छा लगता है ना. आप सहेलियां है ना आपस में, किसी 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 को देखो ना, हर समय उसके चेहरे पर चमक, चहकते हुए, महकते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए. खूब पढ़ाई करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, हर काम में सबसे आगे रहेंगे. और कुछ ऐसी होती है वो हर काम में आगे से नहीं पीछे से फर्स्ट होती. तो योग करेंगे ना तो हमारे मन के ना दो मोड होते हैं, तीन बोल लो, तीन मोड होते हैं. जैसे मोबाइल का मोड होता है ना, कहीं साइलेंट मोड पर होता है, फिर उसमें कहीं पर घंटी वाला मोड होता है, कहीं मीटिंग वाला मोड होता है. तो हमारे मन के तीन मोड हैं, एक है नॉर्मल मोड, एक है नेगेटिव मोड, एक है पॉजिटिव मोड. उसमें पॉजिटिविटी, डिविनिटी, ऐसे हायर कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, हमेशा अच्छा अच्छा सोचते हैं, अच्छा अच्छा ही करते हैं. अच्छा सोचने वाला, ऊंचा सोचने वाला, बड़ा सोचने वाला ही बड़ा बनता है. लेकिन बस बड़ी सोच के साथ कड़ी मेहनत और पक्का इरादा जुड़ जाए, तो फिर जिंदगी में आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता. जिंदगी में आगे बढ़ने के क्या मंत्र हैं? बड़ी सोच, पहला क्या है? बड़ी. दूसरा कड़ी मेहनत, पक्का इरादा. तीन चीज. अब पांच चीजें बोलो तो, माता पिता, बड़ों का, गुरुओं का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, हार्ड वर्क, अपनी मेहनत, सही निर्णय, राइट डिसीजन, एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल, सबके लिए सम्मान. ये बड़े होने के पांच मंत्र हैं. सब बड़े होना चाहते हैं, लोकप्रिय होना चाहते हैं, जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं. तो प्राणायाम के साथ मैंने दूसरी भी बातें बता दी. हाँ, कुछ बातें और बता देते. मेनोपॉज के समय आपको हार्मोनल इंबैलेंस नहीं होंगे, सुन लेना, प्राणायाम करोगे.
आपको 15 साल से लेकर के 45 साल तक बता रहा हूं, फिर लेडीज को आजकल ब्रेस्ट में गांठें होने लग गई। हाँ, ये बहुत हो रहा है। अभी नहीं, अभी तो छोटी छोटी हो गुड़िया, आगे तक के बता रहा हूं। 25-30-40 साल में मेमोग्राफी कराते हैं तो पता लगता है, सोनोग्राफी कराते हैं तो पता लगता है यूट्रस में गांठ होगी, ओवरी में गांठ होगी, ब्रेस्ट में गांठ होगी, इधर पूरे शरीर में कहीं किसी को था तो पैरों में ट्यूमर हो जाते हैं। फिर लेडीज को इधर वेरिकोज वेन्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। योग करने वालों को, प्राणायाम करने वालों को ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं अपनी एक्सपीरियंस बातें बता रहा हूँ, माताओं बहनों के ऊपर बहुत प्रयोग किया हमने, ये बहुत साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया हमने, रिसर्च किए, वो बता रहा हूँ आपसे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पेट पेट बढ़ जाए ना, बहुत बेकार लगता है आजकल तो, वो आज बहुत फैशन चल रहा है, कौन से जीरो जीरो क्या बोलते जीरो फिगर, जीरो फिगर। तो देखो बिल्कुल, देखो बीपी बढ़ जाए तो भी बीमारी, घट जाए तो भी बीमारी, शुगर लो हो जाए तो बीमारी, हाई हो जाए तो बीमारी। वेट भी कंट्रोल में रहना चाहिए, कितना जितना इंच हाइट उतना वेट रहना चाहिए। 5 फीट हाइट है तो 60 किलो वेट होना चाहिए। कपालभाति एकदम फिट, फिट फिगर, जीरो फिगर नहीं, फिट फिगर। इससे ना मन एकदम शांत हो जाएगा, कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, आईक्यू लेवल बहुत बढ़ जाएगा। जो पढ़ेगा एक बार में याद हो जाएगा, नहीं तो बहुत तो रट्टा मारते रहते हैं, मारते मारते रट्टा और उसी के ऊपर ऐसे सो जाते हैं। क्या करें, याद ही नहीं आता। फिर याद कर लेते हैं ना, तो फिर एक बार याद किया और रात को सोए तो जो याद किया था वो डिलीट हो जाता है। दूसरे दिन मैडम पूछती है, बेटा याद करके लाए? हाँ मैम, याद तो किया था, सब डिलीट हो गया। योग करेंगे ना, योग करेंगे तो याद क्या हुआ आपकी मेमोरी में से डिलीट नहीं होगा। तो अपनी मेमोरी की फ्लॉपी की कितनी कैपेसिटी है, हम कितना याद रख सकते हैं बोलो तो? हमारे दिमाग की जो फ्लॉपी है, इस मेमोरी की कितनी कैपेसिटी है बोलो? अनलिमिटेड बोलो तो, कितनी अनलिमिटेड कैपेसिटी है आपके ब्रेन की। और यहां यहां तो 4-5 पुस्तकें याद नहीं होती, उन्हीं में ही बाबा जी मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, वो ना वो जो लेसन दिया था ना, वो होमवर्क दिया था, वो जो सिलेबस था वो पूरा ही नहीं हो रहा। फिर आगे याद करते तो पीछे वाला भूल जाते हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़। जैसे एक बंदर था ना, बंदर एक मकई के खेत में घुस गया, उसने 2 कुकड़ी तोड़ी, यहाँ लगाई, फिर 2 तोड़ी तो पहले वाली चली गई, फिर यहाँ लगा ली, पूरा कुकड़ी का खेत तोड़ दिया, 2 की 2 रही। कुछ ऐसे साल भर पढ़ाई करते हैं, अगला आगे दौड़ पीछे छोड़, गड़बड़ हो जाता है। प्राणायाम करोगे तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प रहेगी। सुनो, ये बच्चों के लिए भी बता दिया है। और क्या प्रॉब्लम है माताओं बहनों की? कहीं पर भी गांठ होगी, कपाल भाती आधा आधा घंटा करो तो सब गांठें खत्म हो जाती है। कहीं पर भी गांठ होगी, ब्रेस्ट में ट्यूमर, ब्रेन में ट्यूमर, यूट्रस में ट्यूमर, बॉडी में कहीं पर, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम मैंने बताई, और ये जोड़ों में दर्द आती है तो प्रॉब्लम होगी नहीं। वात पित्त कफ का बैलेंस, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का बैलेंस एकदम परफेक्ट। कपाल भाती के बाद ही बाह्य प्राणायाम। तीन से पांच बार फिर अग्निसार, फिर गले और थायराइड के लिए उज्जाई, टोन्सिल के लिए, ये भी 3 से 5 बार अपन उलोम विलोम करना है। मैंने बताया आपके मन के 3 अवस्थाएं हैं, नॉर्मल, नेगेटिव
पॉजिटिव डिवाइन मोड पर लाना है अपने आप को, एक एबनॉर्मल हेल्थ एक नॉर्मल है, एक डिवाइन हेल्थ। हाँ ये होगा योग से। तो ये मोड चेंज करते हैं ना मोबाइल में, जैसे कोई भी स्टेशन लगाते हैं आप टीवी का रेडियो का, ऐसे अपना स्टेशन हमेशा पॉजिटिव मोड पे लगा के रखो, डिवाइन मोड पॉजिटिव मोड, नहीं तो मूड खराब रहेगा। क्या करे बाबा जी, कुछ करने का ना मन ही नहीं करता, सुबह उठने का मन ही नहीं करता, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। क्या मन करता है? मन करता है सास बहू का सीरियल देखते रहो। अभी सास बहू बनेगी तब अपने आप ही प्रैक्टिकली देख लेना है? कोई पिक्चर देखने में, टीवी देखने में, कार्टून देखने में, बातें करने में, इसमें बड़ा मजा आता है। योग करोगे ना तो आपको अच्छे कामों में बहुत मन लगेगा, और खराब काम करने की इच्छा ही नहीं होगी, खराब बात सुनने की इच्छा ही नहीं होगी, खराब चीज देखने की इच्छा ही नहीं होगी, खराब चीज खाने की इच्छा ही नहीं होगी, कोको कोला पेप्सी पीने की इच्छा ही नहीं होगी, चॉकलेट खाने की इच्छा ही नहीं होगी, ब्रेड खाने की इच्छा ही नहीं होगी, और अंडा खाने की इच्छा ही नहीं होगी, घृणा हो जाएगी, ये अंडा तो मुर्गी के पीछे से उसकी पोटी है, इतनी गंदी गंदी चीज, खाने की इच्छा ही नहीं होगी, अंडा बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी नहीं, फिर कोई भी खराब चीज, जैसे माता बहनों को शराब से घृणा हो जाती है ना वो जन्म से ही, ऐसा पॉजिटिव मोड होना चाहिए। देखो सीधे बैठो, सीधे बैठो, सबको करना मेरे साथ, आपकी फ्रिक्वेंसी को पॉजिटिव मोड पर सेट करके जाना है आज मुझे, ऐसे ही कि सबकी तो पॉजिटिव मोड पर सेट है फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हमारी बात ही ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी, जिनमें बात आपके लिए अनंत प्रेम है, ऐसी डॉक्टर स्नेहलता सहस्रबुद्धे माता जी आपको बहुत प्यार से रखती है, मैं उनको माँ इसलिए कहता हूँ, उनका माँ का ही रूप है सबके लिए। तो आप ऐसे ही सब पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, क्योंकि एक महात्मा ने तप किया है यहाँ। चलो सीधे बैठो, अनुलोम विलोम करो सर, आंखें बंद करके करो। अनुलोम विलोम भाव से करना, श्रद्धा से करना। लगातार करना कपालभाति की तरह इसको। धीरे धीरे करना, लंबा लंबा श्वास लेना। करते करते आपको शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य भी भीतर से मिलता है, शक्ति शांति ज्ञान भगवान सब भीतर से मिलेगा। अनुलोम विलोम आओ प्रार्थना के साथ कराते हैं। प्रभु आओ अब तो हम में ही बस जाओ, हे अंतर्यामी, हे सर्वशक्तिमान, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे ज्योतिर्मय तेजोमय आनंदमय भगवान, मैं तेरी शरण में। आंखें बंद करके भगवान की शरणागति, प्रभु की भक्ति से आपको विशेष शक्ति मिलेगी। अनुलोम विलोम प्रणाम करना, प्रार्थना इधर से बेटी जाह्नवी गाएंगी, और आपको मौन होकर के एक एक सांस के साथ प्रभु की कृपा का ध्यान करते हो। प्रभु तूने जीवन दिया, तू ही ज्ञान देता है, तू ही दृष्टि देता है, तू ही शक्ति देता है, तू ही सुख देने वाला, सबको बनाने वाला, सारा ब्रह्मांड रचाने वाला, तू ही तो है, तेरी ही तो रचना है प्रभु, इस सारे तेरी शरण। अनुलोम विलोम भाव से करो, आंखें बंद करके लगातार करो, रुको मत, कंटिन्यूटी में करो, कंटिन्यूटी में करना है सबको, श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं।
लगातार करते रहिए, तभी तो आपको कुछ नया एक्सपीरियंस होगा ना। कपालभाति अनुलोम विलोम पांच पांच मिनट करने से क्या होता है ये आपको करने से ही तो पता लगेगा ना। अब गुड़ गुड़ सुनते रहोगे तो मुंह मीठा नहीं होगा, नीम नीम सुनते रहोगे तो मुंह कड़वा नहीं होगा। अनुभव से मैंने कहा सच्चा ज्ञान होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते आपकी मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका, आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, आपको शांति मिलेगी, भीतर से शक्ति मिलेगी। आप देखना करो, अनुलोम विलोम करते रहो, मैं आपके साथ कर रहा हूँ। सारी नस नाड़ियां भी ठीक हो जाती है, आईसाइटिस तेज हो जाती है, हाँ ब्रेन शार्प हो जाता है, मन शांत हो जाता है, स्ट्रेस एकदम जीरो लेवल पर आ जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बंद करके थोड़ी देर कपाल भाती कीजिए, इससे भी मन एकदम शांत हो जाएगा।
सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए योग विज्ञान कार्यक्रम में अभी लेते हैं हम एक छोटी उंगली माथे पर रखो, देखो भीतर से भगवान मिलेंगे, ज्ञान मिलेगा, तीसरा नेत्र खुलेगा, शिवत्व की प्राप्ति होगी। शिवोहम तत्त्वम शिष्यत के तो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होगी। पहले उंगली माथे पर, शीर्ष उंगली से देखो आंखों पर, और ब्रह्मनाद होगा, कान अंगूठे से बंद होंगे और श्वास भर के ऐसे तीन बार से पांच बार तक कम से कम रोज करना। आओ आज मेरे साथ पांच बार करो, अभी आपको शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, समाधि रख जाएगी, अपने आप निर्विकार निर्विचार हो जाओगे, शरीर तो निरोग होगा, मन निर्बीज हो जाएगा, निर्द्वंद हो जाएगा, निर्भय निर्भय हो जाएगा। फिर दोनों हाथ घुटनों पर रख लो, ध्यान मुद्रा, आंखें बंद, मन सहज, मृदुंड सीधा, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, ओंकार का उद्घोष करेंगे। फिर लंबा सांस भरो, oh
सहज शांत हो जाए, श्वासों के साथ पूरी तन्मयता, पूरी एकाग्रता। प्राण का जो मंद मंद स्पर्श है उसको भीतर तक अनुभव करते हैं, और ये प्राण जो भगवान दे रहा है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का। ऐसे हर दिन 5 मिनट 10 मिनट जितना वक्त हो सांसों के साथ ध्यान करना, दोनों हाथों को फैलाना, आपस में आंखों पर अपने नाखून खोल, ऐसे हर रोज प्राणायाम और ध्यान करना, बैलेंस एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, बैलेंस थॉट्स, संतुलित व्यायाम, संतुलित आहार, संतुलित विचार, यह है स्वस्थ सुखी जीवन का आधार। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, उज्जायी, गले और थायराइड के लिए, टोन्सिल के लिए, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रसासों पर ध्यान, ये 8 प्राणायाम तो रोज करना ही। इसके अलावा एक्सरसाइज में क्या क्या करना चाहिए वो बता देते। बच्चों के लिए एक्सरसाइज, अच्छी हाइट चाहिए ना सबको, या नाटी हाइट चाहिए, छोटे रहना है कि बड़े बनना है? सबको बड़ी बड़ी हाइट चाहिए, किसी को छोटी हाइट, छोटे को ना ढूंढना पड़ता है भीड़ में भी, इंटरव्यू भी होता है ना कहीं पर भी, तो भी कहते भाई हाइट कम से कम ठीक ठाक होनी चाहिए, बहुत छोटे अपने को भी अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो योग करेंगे ना तो कोई छोटी नहीं रहेगी, सब बेटियां लंबी लंबी हो जाएगी। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना, आगे झुको, और माथा कहां लगाना, घुटने से लगाओ, आपका लग गया ना, किसी किसी का तो यही अटक गया, झुको। ऐसे करो, हो गया ना, किसी किसी का हो गया, किसी का नहीं हुआ, जिनका नहीं हुआ ना वो थोड़ा दूध में हल्दी ले लेना, शिला और अश्वगंधा ले लेना, तो थोड़ी मसल्स थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। फिर अगला है हाइट के लिए सर्वांगासन, देखो ऐसे, आपने भी किया ना, नहीं किया फिर कर लेना, अभी संकोच हो रहा है, फिर ऐसे हला सर, फिर चक्रासन, आप भी करोगी ना, हाँ जी बोल रही हो, करोगी ना, ठीक है। ये पश्चिमतानासन, सर्वांगासन, हरासन, चक्रासन, ये 5वां आसन। चलो आप भी खड़ी हो जाओ, बॉडी की अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है,
गए? 5 आसन। कितने हो गए? ये 5 आसन रोज करने हैं, खाली पेट करने कि खाने के बाद? खाली पेट करना। अब अगला आसन सिखा रहा हूं, ठीक है ना? खड़े होने पर बहुतों के घुटने मिलते हैं ना, हाँ, तो ये घुटने नहीं मिलेंगे। क्या करना? ये 5 आसन तो जो बता दिए ये कर लेना, फिर एक ये गरुड़ासन, दाहिने पैर में बाएं पैर को फंसा लो, बाएं हाथ में दाएं हाथ को फंसा लो, कुछ तो ऐसे ऐसे ही कर रही है। फिर दूसरा ये, ये बहुत अच्छा है पैरों के लिए। और पद्मासन, फिर एकदम बॉडी फिट रखनी है ना, सब कुछ है ना, एकदम फिट बॉडी, अच्छे स्ट्रक्चर चाहिए बॉडी को, स्लिम स्मार्ट बॉडी, फिट फिगर, नॉट जीरो फिगर, फिट फिगर कैसे होंगे? अब सूर्य नमस्कार सीख लेना। बहुत सी हीरोइंस, बहुत से एक्टर्स क्या करती हैं? केवल सूर्य नमस्कार कितनी बार? 50 से 100 बार। आप 10 बार ही कर लेना। कितनी बार? 10 बार भी करेंगे तो एकदम रहेंगे फिट। कैसे? ऐसे। चलो, गिरना मत, आगे झुक जा, माथा घुटनों से लगा, चल दाहिने पैर पर बैठ गए, बैठो। अब ये दाएं भी पीछे, फिर उठो सामने से, करो। बहुत बेटियां अच्छी अच्छी सामने वाली तो कर रही हैं, पीछे वाली भी करो, फिर भी इससे उठा दो, बाएं पैर आगे, बाएं पैर लेफ्ट लेग आगे, फिर राइट भी आगे, आगे चुके माथा घुटने से लगा दिया, फिर ऐसे, देखो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर डिफरेंट साइड से उसको एक्सरसाइज देते हैं, उसको स्मुलेट करते हैं। जैसे देखो, ये तो एकाग्रता के लिए, फिर ये सारे आगे के जो मांसपेशियां हैं, पूरा फ्रंट साइड बॉडी का, इससे अच्छा होगा। यहाँ ये पेट यह बढ़ जाता है, ये नहीं बढ़ेगा। फिर आगे झुकते हैं तो ये और ये सब फिट रहेगा। यहां से झुको, फिर दाहिने पैर पर बैठ गए तो ये पूरे पैरों की साइज एकदम फिट रहेगी, नहीं तो ओवर साइज अंडर साइज साइज पैर हो जाते हैं ना, तो फिर बेकार लगते हैं। ये पैर के मसल्स के लिए, पीछे वाला पैर भी आगे वाला पैर भी अच्छा रहता है, इससे कमर भी पूरी अच्छी रहती है, फिर राइट लेग भी पीछे चली जाएगी, इससे पूरे पैरों के मसल्स, हाथों के मसल्स मजबूत होंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे सामने से, तो ये वाला के मसल्स के लिए, ये वाला कमर के मसल्स के लिए, फिर वापस दूसरे पैर के लिए,
ऐसे एक्सरसाइज करने के बाद कमजोर रहोगी, मोटी होगी। जितनी मोटी उतनी खोटी। तो जो ऐसे एक्सरसाइज कर लेंगे उनके फिगर्स रहेंगे एकदम फिट, फिट फिगर रहने। बैठ जाओ। बटरफ्लाई, ये बहुत अच्छा लगता है ना। किसी किसी की तो बटरफ्लाई तितली को बोलते हैं ना, किसी किसी की तितली तो ऊपर ऊपर ही उड़ रही है अभी। या नहीं, या किसी के हार्ड हो ना मसल्स तो धीरे धीरे करना, कभी पहले ही दिन जोर लगाओ और बोलो बाबा टूट गई टा, हो गया काम। ऐसे पद्मासन बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। दाया बाएं पर, बाया दाएने पर, बहुत अच्छा है ना। अब आपको एकदम फिट फिगर रखने हैं तो बड़े एकदम फ्लेक्सिबल, तो पीछे से पकड़ लो ऐसे। पकड़ लिया ना आपने भी, बाएं पैर से बाएं हाथ को, दाहिने से बाएं हाथ से बाएं पैर को, दाहिने हाथ से दाहिने पैर को, पीछे से पकड़ना, कभी तुम आगे से पकड़ो बाला बाबा ये पकड़ लिया। ऐसे ही नहीं चलेगा। खाने के बाद ऐसे बैठा करो, वज्रासन। क्या नाम है इसका बोलो? हमने छोटे छोटे बच्चों को भी बुला लिया, ये सामने वाले बाबू को, ये जालियों में से देख रहे थे, बाबा हमको भी बुला लो। चलो ऐसे, ये वज्रासन। खाने के बाद इसमें बैठा करो थोड़ी देर, एकदम फिट रहेंगे बच्चे। शीर्षासन करें तो 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे। देखो मैंने बाह्य प्राणायाम, अग्निसार और ये क्रिटिकल जो एक्सरसाइजेज हैं, सभी आसन पीरियड के दौरान बेटियों को नहीं करने होते। सभी आसन पीरियड के जो 3 से 5 दिन होते हैं उसको अवॉइड करके किया करने चाहिए। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, भस्त्रिका, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम और ये थोड़ी हल्के हल्के में सिखाते हैं हम सब। तो ऐसे ये हल्के हल्के एक्सरसाइज। फिर पैरों के भी ऐसे हल्के हल्के व्यायाम होते हैं, ऐसे ऐसे अंगुलियों का अंगूठों को आगे पीछे दबा लिया, पूरे पैर को ऐसे ऐसे पंजे को, फिर पूरे पैर को ऐसे ऐसे घुमा लिया, ऐसे ऐसे। ये हल्के हल्के व्यायाम तो सब सब दिन कर सकते हैं माताएं बहने। जैसे चक्की घुमाते हैं ना दोनों तरफ से, ये पेट मोटे मोटे हो गए, ये हल्के हो जाएंगे। फिर ऐसे ऐसे अच्छे है ना। फिर बाद में शीर्षासन भी करते हैं।
ऐसी शुरू में दीवार के साथ कर लेना है ना, तो इससे बाल नहीं जड़ेंगे। हाँ, और ये तो बताया ही नहीं, बालों का झड़ना, आंखों पर चश्मा, फिर बालों में डैंड्रफ। सिसी करती रहती हूँ, कुछ तो खुजली चलती रहती है, या तो मजा राज में या मजा खाज में। एक तो ये बालों के लिए नेल्स को पीछे से रगड़ लो, ऐसे तो बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। आंवले का जूस पी लेना रोज, थोड़ा अनुलोम विलोम, कपाल भाती प्राणायाम या शीर्षासन, सर्वांगासन कुछ भी कर लेना, और नारियल का तेल या सरसों का तेल या आश्रम का बनाओ, एक दिव्य केश तेल आता है बालों के लिए, बहुत अच्छा होता है। जिनको बहुत डेंड्रफ रहता है ना, खट्टी छाछ, ऐसी छाछ को रख दो, उसमें फर्मेंटेशन होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। खट्टी छाछ 15-20 दिन पुरानी रखो और उससे सिर धो लो, एकदम डेंड्रफ फंगस सब गायब। उसमें ज्यादा ही किसी को डेंड्रफ हो तो उसमें टंकण सुहागा की खील, सुहागा की भस्म मिल जाती है आश्रम की, सुहागा की भस्म, टंकण भस्म उसको बोलते हैं, बोरिक एसिड बोलते हैं, उसमें बोरिक एसिड डाल दो या सुहागे की टंकण की भस्म डाल दो, और थोड़ा सा नारियल का तेल और नीम के पत्तों का रस भी डाल सकते हैं, तो उसे एकदम एक क्लीन 2-3 दिन लगाने से डेंड्रफ साफ एकदम फर्स्ट क्लास। आंखों का चश्मा हो तो आंवले का जूस पीना, ये पॉइंट दबा लेना यहाँ से, और आंखों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, आंवले का जूस, आंवले का रसायन, चवनप्राश, ऐसे जो भी आंवले के प्रोडक्ट हो खा सकते हैं, ये सारे पॉइंट यही हैं। ये आँख के लिए, कान के लिए, हार्ट के लिए, डायबिटीज के लिए, किडनी के लिए, ये फेफड़े के लिए, ये जो है यहाँ थायराइड के लिए, फेफड़े के लिए, फिर ये स्ट्रेस के लिए। और जिनको रात को सोते सोते सुसु हो जाता है उसके लिए यहाँ से। अच्छा, पहले 2-4-5 साल तक तो ठीक है, कुछ तो 10-12 साल के भी मरते रहते हैं। रात को बिस्तर में जब पूरा गीला हो जाता है ना, पहले तो उनको ऐसा लगता है बाथरूम में है, जब पता लगा तो पता लगा बेडरूम में ही है, ओह गड़बड़ हो जाता है। तो कपाल भाती और ये पॉइंट, इससे रात को शुशु नहीं होगा। फिर ये और ये दवा बच्चों के बारे में, किसी किसी को बहुत बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है, तो उसके लिए गिलोई घनवटी खा लेना। जिनका दिमाग बहुत डल हो तो मेधावटी खा लेना। जिनका शरीर एकदम दुबला पतला, तेज हवा आए तो पकड़ के रखना पड़ता है कहीं उड़ ना जाए इतने दुबले पतले हो तो दूध में अश्वगंधा शतावर ले लें, थोड़ा अश्वगंधा शतावर, फिर डेट्स एंड मिल्क, दूध और खजूर, दूध और आम, दूध और केला, ये वजन बढ़ाते हैं। प्राणायाम करो तो नॉर्मल वेट हो जाओगे, वजन बढ़ाने का मतलब ऐसा। तो बाकी जो एक्सरसाइज हैं, आपको हम 12 तरह के दंड, 8 तरह की बैठक, ये एडवांस एक्सरसाइज और सिखाते रहते हैं, वो आप आस्था के माध्यम से सीखते रहते हैं। आज मैं यूँ माँ बहन बेटियों के बारे में, कितनी हमारी परंपराएं हैं, कितने हमारे ऊंचे आदर्श हैं, कितनी ऊंची हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उस सब के बारे में बताऊँ, योग और अध्यात्म के रहस्य आपको समझाऊँ तो बहुत वक्त लग जाएगा। मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथिदेवो भव, राष्ट्रदेवो भव, माता भूमि ही पुत्रोऽहं पृथिव्याः मातृदेवो भव। माँ देव का, माँ देवता है, पिता देवता है, आचार्य देव तुल्य हैं, अतिथि देव तुल्य हैं, और ये मातृभूमि, ये मदरलैंड, ये मादरे वतन, इसके लिए हमें बहुत कुछ करना है। सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना, उनको कृतज्ञतापूर्वक याद करना, गुरुजनों के प्रति हमेशा श्रद्धा का भाव रखना, कोई भी अतिथि आए उनका पूरा सम्मान करना, और संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति सम्मान का भाव रखना। प्रकृति माँ है हमारी, इसी से हमारा शरीर बना है, जीवन निर्मित हुआ है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जल जंगल पहाड़ नदियां ही नहीं है, ये धरती हमारी माँ है। धरती क्या है हमारी,
माँ, इसलिए हम इसको बोलते हैं धरती माता। क्या बोलते हैं? भारत माता। क्या बोलते हैं? भारत। तो हमें अपने माता पिता का, इस भारत माता का सम्मान करना। हम कुछ भी काम करते हैं उसका प्रभाव हम पर ही नहीं, पूरे देश पर पड़ता है। यदि मैं आज कुछ भी गलत करूंगा तो क्या होगा? पूरा देश बदनाम होगा। और मैं कुछ भी अच्छा काम करूंगा तो पूरा देश का नाम होगा। मुझे कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरे माता पिता का, मेरे गुरुजनों का, मेरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का, मेरे देश का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी, ऐसा सबको संकल्प ले रहा है। मैं ऐसा ही काम करूंगी अपनी जिंदगी में, मैं ऐसा ही काम करूंगा अपने जीवन में जिससे मेरे माता पिता का, मेरी मातृभूमि का, मेरी मातृ संस्था का, मेरे स्कूल कॉलेज टीचर्स का, जिस भगवान ने मुझे जन्म दिया उस भगवान का, मेरे पूर्वज ऋषिमुनियों का सम्मान बढ़े, मैं ऐसा ही काम करूं, ऐसे ही काम करूं। ये भाव पंच महायज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिविष्य देव यज्ञ, पंच महायज्ञ, चार वर्णाश्रम धर्म, 16 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवान, सीमंतोन्नयन। माताओं बहनों को सब पता होना चाहिए इनके बारे में। संस्कारों के बारे में हमको पता ही नहीं, कैसे दिव्य संतानों का आह्वान होता है अपने गर्भ में, धरती पर कैसे दिव्य संतानों का जन्म होता है, और एक माँ आदर्श माँ कैसे होती है, एक आदर्श पिता क्या होता है, और जीवन का निर्माण कैसे होता है। यह है 16 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवान, सीमंतोन्नयन, फिर जात कर्म, फिर नामकरण, फिर अन्नप्राशन, फिर चोड़ा कर्म, निष्क्रमण, यज्ञोपवीत, वेदारंभ। ऐसे ये 16 संस्कारों की परंपरा है। अपने को अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, इन सब के बारे में बोध होना चाहिए। आप सब बेटियां जिंदगी में बहुत अच्छा करेंगी, कुछ ऐसा बनकर के दिखाएंगी कि जिंदगी के किसी मोड़ पर मैं यहाँ दोबारा आ सकूँ तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप, मैं देश और दुनिया में कहीं पर भी रहूं और वहां आप मुझे आकर के कहें कि बाबा आप से मैं कर्वे, महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थान में मिली थी, बाबा जी मैं बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन गई हूं, मैं बहुत बड़े IAS IPS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर बन चुकी हैं, मैं बहुत बड़ी लेक्चरर प्रोफेसर हूं, मैं ये कर रही हूं, ऐसा आप कहती भी मुझे कहीं पर भी मिलोगी तो मुझे गर्व होगा कि मैंने कुछ आपको मार्गदर्शन दिया था। उसका असर है, महर्षि कर्वे के तप का असर है। ये हमारी माताएं, ये हमारे पितातुल्य भाई आपको जो यहाँ मार्गदर्शन देते हैं, उन सबकी आत्माएं, आपके माता पिता की आत्माएं, स्वयं ये भारत माता और हम सबको जन्म देने वाला वो जगत विधाता, सब आपसे प्रसन्न होंगे। और मुझे लगता है हमारी बेटियां जरूर जिंदगी में ऐसा महत्वपूर्ण काम करेंगी, मुझे कोई भी शंका नहीं है। आप बहुत बड़ा काम, यूँ कहने को बहुत कुछ है। अभी मेरे पास आया, बाबा जी बहनों को थायराइड की प्रॉब्लम भी बहुत होने लग गई, इसके लिए पॉइंट है ये पॉइंट दबाना, उज्जाई प्राणायाम करना, ये वाला कपाल भाती करना, ठीक हो जाएगा। अब जाते जाते बस आपसे पुनः उसी बात को दोहराना चाह रहा हूँ, भगवान ने हमको प्रथम होने की शक्ति दी है। क्या बोला मैंने? भगवान ने हमको प्रथम होने की शक्ति, हमें हेल्थ में, फिटनेस में, नॉलेज में, कैरेक्टर में, ईमानदारी में, सच्चाई में, काम करने में रहना है दुनिया में, जीवन में नंबर, देश को भी बना है, बनाना है नंबर। हमारा देश कभी भी कमजोर, दरिद्र, गरीब नहीं था और आज भी गरीब नहीं है और आगे भी इसको गरीब नहीं रहने देना है। ऐसा भारत से ज्यादा बलवान, भारत से ज्यादा गुणवान, भारत से ज्यादा धनवान, भारत से ज्यादा महान देश पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सारे जहां से अच्छा, तालियों के साथ गाओ तो, सारे जहां से हिंदू से ता हमारा हमारा हिंदू से ता हमारा हमारा सारी जहां से चा
सता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हाथ उठा करके सारे जहां से अच्छा। बोले भारत माता की जय। रूही यात्रा आज डिचोली में इस भतग्राम के इस ऐतिहासिक स्थान पर पूरी हो रही है और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि यदि मैं 2200 किलोमीटर से चल करके गोवा को बचाने के लिए आपको जगाने के लिए आया तो इसमें डिचोली में आज ये सबसे बड़ी और ऐतिहासिक सभा हो रही है। आप अपने घरों से निकल करके आए कि बाबा जब आए हैं तो हम भी निकलेंगे बाहर। भाई बहनों, लूटने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं। 121 करोड़ के भारत में 1 करोड़ भी लोग नहीं है लूटने वाले। बड़े लुटेरे जिनको हम रावण की संज्ञा दें, उनको हम कंस और जरासंध की संज्ञा दें, उनको हम राक्षस या महाराक्षस की संज्ञा दें, इस देश को लूटने वाले जिन्होंने इस देश की दुर्दशा की है, देश को तबाह किया है, उनकी संख्या बहुत नहीं है। 121 करोड़ में 1 करोड़ भी नहीं, कहता हूं 1 लाख भी नहीं। बड़े लुटेरे तो इस देश में 1000 हैं। 1000 लोगों के पास में उतनी संपत्ति है जितनी इस देश के 121 करोड़ लोगों के पास में नहीं है। गोवा में जो मैं रोज कह रहा हूं कि खनन माफिया, भू माफिया गोवा का चरित्र, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता नष्ट करके इसको जुवा, सुरा और सुंदरी के हवाले जिन्होंने कर दिया, गोवा जो धरती का स्वर्ग था उसको नरक बना के रख दिया, चारों ओर गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं। अपने ही देश के इस भूमि पुत्रों को अपने ही भूमि अधिकारों से वंचित करके और कस्टोडियन प्रॉपर्टी एक्ट अभी भी लगा रखा। मैंने आपसे कहा है गोवा में 7 लाख करोड़ रुपए के आयरन ओर की लूट हुई है। मैं आयरन ओर को लोहा में उसका जो मूल्य है उसको कन्वर्ट करके कह रहा हूं, 450 मिलियन टन अभी तक लूटा जा चुका है और यदि ऐसे गोवा लूटता रहा तो करीब 50 लाख करोड़ रुपए की तो खाली आयरन ओर की लूट हो जाएगी। अब हमने एक हुंकार भरी है और आप और हम साथ साथ मिलकर के चलेंगे और गोवा को भी बचाएंगे और पूरे हिंदुस्तान को भी बचाएंगे। 50 लाख करोड़ रुपए ये इतनी संपत्ति है कि आपको यदि कुछ भी ना करें और घर बैठे बैठे बांट दी जाए तो 12 से 15 करोड़ रुपए हर एक फैमिली को मिलेंगे। लेकिन कब? जब गोवा का 1 ग्राम भी आयरन और लूटे नहीं तब। और बाहर यहां से फिनिश गुड जाने चाहिए इसका, आयरन और के रूप में नहीं। और ये सारा का सारा चीन जा रहा है और चीन भारत का मित्र राष्ट्र तो कभी रहा ही नहीं, शत्रु राष्ट्र। अपने देश की संपत्ति से
देश के शत्रु देश को हम पोषण देते हैं। राजनीति में ऐसी भाषा नहीं बोली जाती, लेकिन हम राष्ट्रवादी लोग ऐसी भाषा बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा चीन ने भारत को के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है, भारत के ऊपर युद्ध थोपे। एक जमाना था जब चीन के लोग भारत को गुरु देश कहते थे, क्योंकि भारत से ही महात्मा बुद्ध ने जाकर के वहां के लोगों के जीवन में ज्योत जलाई थी। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, और अपने आप को कभी भी कम करके मत आंकना। यदि हमने भारत का 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन इसको वापस दिला दिया, तो भारत एक ही दिन में वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर हो जाएगा। ये खाली कल्पना या सपना नहीं, ये हकीकत। भारत ना कभी दरिद्र था, न दरिद्र है, और ना इसको दरिद्र रहने देना है। 1,96,08,53,112 वर्ष पुरानी हमारी गौरवशाली संस्कृति, सर्वप्रथम संस्कृति विश्ववारा, दुनिया को सबसे पहली संस्कृति और सभ्यता हमने दी, दुनिया को सबसे पहली भाषा हमने दी, दुनिया को सबसे पहली चिकित्सा व्यवस्था हमने दी। ये एलोपैथी तो मुश्किल से 200-250 साल पुरानी है, अरे हमारा आयुर्वेद तब से है जब से सृष्टि है, जड़ी बूटियां हैं। भाई बहनों, हमने ज्ञान और विज्ञान की दीक्षा पूरी दुनिया को दी। जब मैं भारत के गौरवशाली अतीत को देखता हूँ, तो मेरा सीना गर्व से स्वाभिमान से भर जाता है, और जब अपने ही वतन को लूटता हुआ देखता हूं तो खून खौलता है, एक वेदना होती, एक पीड़ा होती, हृदय कांप उठता है कि एक तरफ मेरे देश में 99% लोग कमोबेश बेबसी की जिंदगी जीते हैं, 1% भी लोग नहीं होंगे जिन्होंने इस देश के साथ धोखा, विश्वासघात और गद्दारी करके इसको नरक बनाया। कितना आश्चर्य होता है, 1% बेईमान लोग 99% ईमानदार लोगों पर शासन करते हैं। 1% लोगों ने देश की सारी संपत्ति को, वैभव को लूट लिया, और 99% आम लोग बेबस लाचार होकर के देखते हैं। 1% वो लोग जो धर्म को, भगवान को, सत्य को मानते ही नहीं है, वो नास्तिक लोग इस देश के ऊपर शासन करते हैं। और हमको ये मान लिया कि ये सब जो ये सामाजिक लोग, ये आध्यात्मिक लोग, ये देशभक्त लोग, ये ईमानदार लोग, ये तो हमेशा से कायर, कमजोर और बुजदिल रहे हैं, ये हमेशा से शोषण के शिकार रहे, कुंठा में जीते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ पूरे गोवा की तो बात छोड़िए, पूरा गोवा के लाखों लोग तो अब खड़े हो ही चुके हैं, अकेले डिचोली के लोग ही हमारा साथ देंगे तो, और आप और हम मिलकर के अकेले गोवा को बचा लेंगे। ये तो गोवा की बात हुई, पूरे हिंदुस्तान को हमें बचाना है। हमको विदेशों से धन नहीं चाहिए, हमें विदेशी धन की, विदेशी अपसंस्कृति की, विदेशी भाषा की, विदेशी वेशभूषा की, हमें विदेशी गधों की, विदेशी कुत्तों की। हाँ, अपने घरों में हम वही ले आए, विदेशी कुत्ता, और सामने लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, जैसे घर में कुत्ते ही रहते हैं, और एक एक घर में 5-5, 10-10 पाल रखे हैं, आदमी को खाने को रोटी नहीं मिलती, 10-10 विदेशी कुत्ते रखते हैं, विदेशी कुत्ते, विदेशी गधे, विदेशी पंछी, विदेशी घोड़े। हमारी गाय माता को भी विदेशी गो माता। भाई बहनों, हमारा देश कभी कमजोर नहीं था, हमारा देश कभी दरिद्र, और आगे भी इसको दरिद्र नहीं रहने देना है। ये तो बात थी देश के आर्थिक वैभव की। दरअसल ना हमारे देश ना के लोग ना सहनशील बहुत है, आप सोच सकते हैं। 7वीं शताब्दी में देश लूटना शुरू हुआ, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, नादिर शाह, फिर उसके बाद में कुछ विदेशी शासक आए, फिर वो तो यहीं बस गए, यवन तो यहीं बस गए, फिर डच आए, पुर्तगीज आए। और देखो, भारत को के ऊपर राज कौन करेगा, इसको लेकर के संघर्ष होता था। पुर्तगीज बोलते थे हम राज करेंगे, अंग्रेज बोलते थे हम राज करेंगे, डच हुन बोलते थे हम राज करेंगे, यवन बोलते थे हम राज करेंगे। अच्छा, हम उस समय भी जब अंग्रेजों का राज था तब 30 करोड़ की करीब हमारी संख्या थी, और उस समय हम एकदम तमाशा देखते रहते थे, वो हम पर राज करते थे कि ये तो राज करने के लिए आए हैं और हम तो लूटने के लिए पैदा हुए हैं। अरे, दरिद्रता हमको विरासत में नहीं मिली है, दरिद्रता तो गलत व्यवस्था की देन है, भ्रष्टाचार की देन है, लूट और बेईमानी की देन है,
विरासत में हमको मनुष्यता मिली है और भारतीयता मिली है। जिसने भारत में जन्म पाया है वो दरिद्र कैसे हो सकता है? हम मनुष्यता हमको विरासत में मिली। ये दरिद्रता तो यहाँ की गलत व्यवस्था का परिणाम है। लोग कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता, जहाँ पैसा होगा वहाँ तो बेईमानी होगी। मैं अभी गाड़ी में आते आती फर्स्ट टाइम अभी कुछ ऐसे इंट्यूशन हुआ, मैंने सोचा ऐसे, मैंने कहा लोग कहते हैं ये भ्रष्टाचार तो नहीं मिट सकता, मैंने कहा ये कैसे ऐसी बातें करते हैं? और बोले जहाँ आग है वहाँ तपत तो लगेगी ही, जहाँ पैसा है वहाँ तो कोई ईमानदार रह ही नहीं सकता। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके गोवा में बैंक है? अरे बोलो तो। अच्छा, देश में भी बैंक है? क्या बैंक मैनेजर चोर है? अरे बैंक मैनेजर कहाँ चोरी कर रहा है बेचारा, वो तो जो तुम खाते में जमा करा के आते हो वो उसको लिख देता है, वहां रखता है। तुम्हारा बैंक से पैसा चोरी हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब जहां पैसा है वहां चोरी नहीं है। ये तो बैंक का सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि बैंक मैनेजर जो आप जमा करा के आएंगे उसको जमा करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट है। यदि सिस्टम पारदर्शी हो जाए, सारे देश का पैसा कहाँ जाता है? बैंक में। लेकिन बैंक में मैनेजर नहीं लूट सकता, कैशियर नहीं लूट सकता, पियोन नहीं लूट सकता। क्यों? क्योंकि जो आपने दिया वो वहां पर लिखा हुआ है, वो कैसे लूट लेगा? वो दूसरी गड़बड़ी करते हैं, कुछ बैंक घोटाले दूसरे तरह से होते हैं। कुछ जो बेईमान नेता होते हैं वो बैंकों से लोन लेते हैं फिर वापस नहीं चुकाते, वो घोटाले अलग होते हैं। बाकी आपका बैंक में जमा किया हुआ पैसा, देखो जो बैंक बनाए जाते हैं बेईमानी करने के लिए, तथाकथित बैंकों को लाइसेंस दे दिया जाता है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, नेशनलाइज बैंकों की बात कर रहा हूं। आज तक किसी का भी नेशनलाइज बैंक के अंदर पैसा नहीं लूटा। क्यों? इसका सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। मैं तो कहता हूं इस पूरे देश के सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बना दीजिए। जन्म से कोई बेईमान ईमानदार पैदा नहीं होता, सिस्टम को अच्छा कर लीजिए। जैसे बैंकों में लूट नहीं होती है, ऐसे पूरे हिंदुस्तान में लूट नहीं होगी। ई गवर्नेंस होना चाहिए, एक सिटी से बात। ये कोई बहुत लंबी चौड़ी बात थोड़ी है। धन जहां वहां लूट हो तो फिर तो सारे बैंक रोज लूटने चाहिए, वो अलग है। चोरी डकैती वहां डाल लेते हैं लोग, वो अलग बात है। लेकिन सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बस यही तो सीधी सी बात है। सारा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। ये तो थी देश की बात, ये तो करना है। गोवा में भी जो खनन माफिया है, भू माफिया है, सब खत्म करने हैं। जो गोवा के चरित्र को लूट रहे हैं, जो गोवा की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, जो गोवा को गंदा कर रहे हैं, जो यहाँ पर हर चीज को जिन्होंने धंधा बना दिया है, वो तो सब ठीक करना है। हिंदुस्तान को भी ठीक करना है, लेकिन अपने आप को भी ठीक करना है। अब गोवा बचाने के लिए बुलाया है तो आप गोवा वाले रहेंगे तो गोवा बचेगा ना, तो गोवा वाले बचेंगे योग से, और योग और अध्यात्म को मूल में रख करके हम खुद को भी बचाएंगे। एक स्वस्थ समृद्ध वैभवशाली गोवा भी बनाएंगे और एक स्वस्थ समृद्ध वैभवशाली भारत भी बनाएंगे। ये सबको करना है काम। भाई बहनों, मैं बात ही कर रहा था कि अपने को ना बहुत प्रामाणिकता से आगे बढ़ना है। गोवा के बारे में मैं रोज बात कर रहा था, उस बात को जो है मैं पूरी कर देता हूँ कि गोवा में जो लोग बोलते हैं कि इलीगल माइनिंग बंद हो जाएगी तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मैं तो कहता हूँ गोवा से आयरन और बाहर ले जाना बंद कर दो, यहीं पर टेक्नोलॉजी ले आओ, यहीं पर इंडस्ट्री ले आओ, तो गोवा से आयरन और बिकने से जितना पैसा मिल रहा है उससे 10 गुना तो पैसा मिलेगा और 10 गुना ज़्यादा रोजगार मिलेगा। जितने लोग यहाँ रहते उससे ज़्यादा लोगों को बाहर से लोग लाने पड़ेंगे काम करने के लिए, इतना रोज़गार मिल जाएगा, इतना इस गोवा के अंदर ताकत है। तो गोवा कहीं कमज़ोर नहीं है किसी भी दृष्टि से। और ये जो सारी लूट हो रही है इसका कारण ये है कि यहाँ मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये देख करके, सारी माइंस जो है वो प्राइवेट लोगों को दी हुई है। यहाँ तो माइंस को खाली एक बार सबकी लीज कैंसिल कर दी जाए, और जो लोग वो करे ऐसे काम रहे हैं, उसमें कुछ ही लोग हैं जो माइन चलाने योग्य हैं, सबकी लीज कैंसिल कर करके खाली लीज को ई गवर्नेंस के माध्यम से उसका ट्रांसपेरेंट ठेका ही दिया जाए तो कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए तो खाली ठेके से मिल सकता है, बाकी आगे का बाकी हिसाब है। इतना ज्यादा कुछ है,
तो गोवा में दरअसल इतनी शक्ति है उसकी हमें पहचान नहीं। अरे गोवा की शक्ति क्या, अपनी शक्ति की पहचान नहीं, अपनी शक्तियों से हम अनजान हैं, अपने भीतर अपरिमित शक्ति है। अब उस योग पर आता हूं, अपनी शक्तियों को योग से जगाइए। एक व्यक्ति में कितनी शक्ति, एक एक व्यक्ति में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है। इस टोटल यूनिवर्स का एक छोटा मॉडल बनाया जाए तो यह मनुष्य का शरीर बनेगा, और आप इसको खुद अनुभव कीजिए। आपको कुछ लाभ तो मैं ऐसे बता रहा हूं योग के, जिसको आप अभी महसूस कर सकते हो। जैसे अभी आपको मान लीजिए थोड़ा शरीर में एनर्जी का लेवल डाउन लग रहा है, तो आप 5 श्वास लंबे लीजिए, क्या फायदा होगा इससे? आपका एनर्जी का लेवल हाई हो जाएगा। बहुत लोगों का एलर्जी की प्रॉब्लम, ब्रोंकल एलर्जी, श्वास की एलर्जी, दमा की एलर्जी, मौसम से एलर्जी, इतनी तरह की एलर्जी हो गई आजकल। तो इम्यून सिस्टम डाउन हो गया है, थोड़ी सी सर्दी होती है तो सर्दी लग जाती है, गर्मी होती है तो गर्मी लग जाती है, थोड़ा कोई मच्छर काट लेता तो बुखार हो जाता है, थोड़ा कोई डेंगू वाले मच्छर ने काट लिया तो डेंगू हो जाता है, किसी को चिकनगुनिया हो जाता है, किसी को डिफरेंट डिफरेंट वायरल डिजीज और अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है। आपको तो अकेले गोवा के ही मच्छर काटते होंगे, मुझे तो पूरे हिंदुस्तान के मच्छर काटते हैं, और आजकल तो कुछ मच्छर मुझे ज़्यादा ही काटने लग गए। जो बेईमान लोग हैं ये खून चूसते हैं लोग पब्लिक का, तो फिर अगले जन्म में भगवान कहता है ठीक है तो मच्छर बन करके पैदा होना, कई करोड़ योनियाँ उसी को भोगना है। पता नहीं अच्छा क्या करेंगे, मुझे नहीं लगता। अरे जीवन जीने के लिए आदमी को 2 कपड़े चाहिए, तन ढकने के लिए 2 कपड़े, शरीर को चलाने के लिए 2 वक्त की रोटी, और जीने के लिए 2 गज जमीन। मैं इतने में ही जीता हूँ जब से पैदा हुआ हूँ आज तक। इस देश के करोड़ों लोगों ने मुझे प्यार दिया, दुनिया के 200 से ज्यादा देशों ने मुझे प्यार दिया, लेकिन ना मैंने 1 इंच जमीन ली और ना कभी 1 रुपए बैंक बैलेंस किया। अभी भी 2 कपड़े ओढ़ता हूं, 2 वक्त इतना सा खाता हूं, और जमीन पर चद्दर बिछा के सोता हूं, मस्त रहता हूं। और मुझे लगता है ये लोग इतने क्यों लूट के क्या करेंगे। 9 साल की उम्र से आज तक 1 दिन भी मैंने विश्राम नहीं किया है, और मेरा संकल्प है जब तक जीवूंगा योग धर्म के साथ अपना राष्ट्र धर्म निभाऊंगा और एक एक श्वास देश की देशवासियों की सेवा करूंगा, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी वेस्ट, विदाउट सैलरी, 365 डेज आई एम वर्किंग, काम करता हूं। रोज देखते हो आप मुझे, 5 मिनट भस्त्रिका करना, आपका इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रांग रहेगा, का एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं, और सुबह से शाम तक ऐसे बच्चों की तरह दौड़ते खिलखिलाते हंसते मुस्कुराते जियोगे जिंदगी। बस ऐसे मनहूस से खड़ूस से यूं मुंह लटकाए बैठे रहते जैसे अभी प्रलय होने वाला है। हाँ कुछ लोग तो ऐसे बैठे बैठे नेगेटिव सोचते रहते हैं। एक मेरे से बोली बाबा जी मेरे को ना सुबह से शाम तक ना नेगेटिव विचार चलते रहते। मैंने कहा क्या चलता रहे? बोले ऐसे चलता रहता है मैं मर गई तो मेरे पति का क्या होगा। मैंने कहा दूसरा ब्याह कर लेगा, तू क्यों चिंता कर रही है। अच्छा जीत अभी तेरे पति जिंदा है उसको अभी क्यों मार रही है। मरे तू मरेगी वो मरेगा, जब मरेंगे तब मरेंगे, अभी जिंदे जी क्यों मर रहे हो। कुछ लोग हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं अपने बारे में, घर के बारे में, परिवार के बारे में, देश के बारे में, दुनिया जहान के बारे में। अरे मस्त रहो, भगवान ने इंसान बनाया, देखो कितनी खुशी की बात है। कीड़े मकोड़े हाथी गधे घोड़े कुत्ते कुछ भी बना दिए होते तो सुबह से शाम तक ओ करते रहते। हम शान से जीते हैं, स्वाभिमान से जीते हैं, क्यों? क्योंकि हम भगवान की बेटा बेटियां हैं। कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का बेटा हो ना तो ऐसी सेना तान के चलता है, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा आकड़ होती है प्रधानमंत्री के बेटे में। हम सब ईश्वर के बेटा बेटियां हैं, और वो भगवान जो सारी दुनिया का मालिक है, वो भगवान जो सारी दुनिया का मालिक है, हम उसकी संतान हैं। ये भाव अपने हृदय में हमेशा रखो तो तुम्हारे जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी, हताशा नहीं आएगी, आत्मग्लानि नहीं आएगी, आत्मगौरव से जियोगे, ऐसे जिया करो।
खुश रहो। देखो सुनो, नाराज होने का नुकसान सुन लो, तुम एक दिन भी नाराज नहीं होगे। जो नाराज होंगे उनका स्ट्रेस बढ़ेगा, उनको बीपी होगा, उनको शुगर होगी, उनको मोटापा होगा, उनको गैस बनेगी, ऊपर से भी और नीचे से भी बमबारी जारी। हाँ, जो नाराज रहते हैं ना, दुखी रहते हैं, उनका डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, गैस बनती है, जो गैस बनेगी फिर एसिडिटी बनेगी, ऊपर से जलेगा। और फिर इतना ही नहीं, जो नाराज रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनको गैस एसिडिटी भी बनती है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, सुबह उठेंगे पेट ही साफ नहीं होगा। जो दुखी रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नाराज रहते हैं, बात बात में गुस्सा करते हैं, रिएक्शन करते हैं, बात बात में झगड़ा कर लेते हैं, बात बात में क्लेश कर लेते हैं, बात बात में तू तू मैं, कुछ तो घरों में ऐसे लड़ाई होती है साहब। मुझे तो घर वालों को तो एक घर का एक्सपीरियंस होता होगा, मुझे तो पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं हर दिन किसी नए घर में रहता हूँ। और कुछ तो ऐसे कमरा बंद करके वो 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 ऐसे लड़ते। मैंने एक मेरे से पूछा, बाबा जी ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? मैंने कहा ऐसा लगता है पिछले जन्म से कुत्ता कुतिया से प्रमोशन होकर के आए, नए नए आदमी बने, इनको रहना नहीं आ रहा है अभी। खुश रहा करो, सुबह से शाम तक ऐसे क्या हाय पता नहीं झगड़ा ही करते रहते, खुश रहो मस्त रहो। अरे शादी तो इसीलिए तो करते हैं, दो मित्र बनकर के जियो। हम देखो बिना शादी के कितने मस्त रहते हैं। मैंने सुना यहाँ शादी के बाद ना ये माला पहनाते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ओंगड़ा, ओंगड़ा की माला पहनाते हैं। मुझे कई पहना दी, मैंने कहा धन्यवाद हो गोवा वालों, बिना ब्याह वाले को ही तुमने पहना दी। मैंने कहा भाई क्यों पहनाते हो? बोले बाबा जी इसमें सुगंध आती है, सच में इतनी मोटी खुशबू आती है इसमें, तो ये शादी के बाद इसलिए पहनाते हैं कि तुम्हारे जीवन में सदा सुवास रहे। नाराज मत होना, नाराज होगे ना तो जीवन नरक बन जाएगा। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, बच्चों की तरह हंसते मुस्कुराते। और बस, और करो क्या, बच्चे हो तो पढ़ाई खूब करो, बड़े हो तो कमाई करो ईमानदारी से, दिमाग से काम लो, दिल और दिमाग लगा करके काम करो, बस यही जिंदगी और कुछ नहीं। ऊपर है दिमाग, इधर है दिल और इधर है हाथ, दिल और दिमाग लगा करके काम करते जाओ, जीवन में आपको सदा ही खुशियां मिलेंगी, समृद्धि मिलेगी, उन्नति मिलेगी। बस मस्त रहो, क्यों दुखी रहते हो? नाराज कभी नहीं होना। सुबह सुबह उठ करके मैं कह रहा था योग करना, योग करने से आपका एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम है एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। ये तो करोड़ों लोगों पर हमने प्रयोग किए, 6 साल से तो गोवा में आ रहा हूं मैं, 1-2 साल में आ ही जाता हूं। और अब जब मैं 6 साल बाद अब गोवा में आया हूं तो दुनिया के करीब 204 देश हैं, कोई ऐसा दुनिया का देश नहीं जहां योग ना होता हो। आज दुनिया के 200 से ज्यादा देश योग कर रहे हैं, और 10-20 साल लगेंगे आप देखना, दुनिया के 7 अरब से ज्यादा की आबादी अब योग ही करेगी, इसके अलावा जीवन जीने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। योग इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिजीजेस एंड ऑल यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स। योग ही एक हमारी साइंटिफिक लाइफस्टाइल है, एक जीवन पद्धति है, कंप्लीट ये संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। ये इतना अच्छा है और इतना सरल है, कर लो ना सब बैठे बैठे, कर लो कर लो, आज का मेरे साथ करो, कल का सुबह से घर से करना, घर पे कर सो करना, करो सब। हाँ बहुत अच्छी है सब, वैसे भी रोज या कभी कभी कितने करते हैं, जरा हाथ उठाइए तो, जो रोज या कभी कभी योग करते हैं, हाथ उठाना उठाना उठाना, मैं देख लूँ अच्छे से। अरे ये तो बहुत बड़ी संख्या है, अभिनंदन है आपका, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। ये तो गोवा में बहुत बड़ी संख्या है योग करने वालों की, ये तो अब घर घर में होना चाहिए। सुबह सुबह उठ करके योग कर लो, ज्यादा वक्त नहीं है ना, 5 मिनट कपाल भाति कर लेना, 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लेना, मस्त रहोगे एकदम। सुबह से शाम तक ना आपके चेहरे पर खुशी, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, ऐसा मस्ती, ऐसा मस्त रहो। योग करने से दिमाग बहुत अच्छा रहता है, योग करने से दिल बहुत अच्छा रहता है, योग करने से शरीर शुद्ध रहता है, मन एकदम शुद्ध रहता है, और आपको जीवन में खुशी खुशी मिलती है।
प्रसन्नता प्रसन्नता। हाँ प्राणायाम करते ही आपकी जो फ्रिक्वेंसी है ना वो पॉजिटिव मोड पर सेट हो जाती है, तो जब पॉजिटिविटी होती है तो डिविनिटी आती है आपके जीवन में। बस यही योग है। एक है नॉर्मल लाइफ, एक है एबनॉर्मल लाइफ। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, आपकी बीएमआई एकदम ठीक होती है, बॉडी मास इंडेक्स एकदम ठीक होता है, पेट बढ़ा हुआ नहीं, तो सिबरा उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, उभरी हुई आपकी भुजाएं, पूरा शरीर एकदम एनर्जेटिक, यह है नॉर्मल लाइफ। आपका बीएमआई नॉर्मल है, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल सब एकदम नॉर्मल है, नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है, आपके चेहरे पर खुशी है, प्रसन्नता आनंद है, यह नॉर्मल लाइफ। एबनॉर्मल लाइफ में क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, गुस्सा आता है, और नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, और फिर नींद नहीं आती है, फिर भूख नहीं लगती है, फिर ऐसे ही पागलों की तरह ऐसे ही पड़े रहते हैं, ये एबनॉर्मल लाइफ है। बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल, ये हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, टीबी की प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है। योग करने से नॉर्मल लाइफ, एबनॉर्मल लाइफ नॉर्मल लाइफ होती है, नॉर्मल लाइफ वाला योग करता है तो डिवाइन लाइफ हो जाती है, लाइफ डिवाइन। यही तो है योग का मकसद। करो ना, इतने फायदे बता दिए, आप तो कर लो। आप योग करोगे 100 साल तक आपका हार्ट बच्चों जैसा रहेगा, आपका ब्लड बच्चों जैसा रहेगा, आपका जोश जवानों जैसा रहेगा। करो योग। खाली एक कपाल भाती कर लो, चलो कुछ भी नहीं आता ना तो खाली एक कपाल भाती, इसी से कल्याण हो जाएगा, एकदम बस रास्ता रहेगी। फिर अनुलोम विलोम से थोड़ी नस नाड़ियाँ और अच्छी हो जाती है, भ्रामरी उद्गीत से स्ट्रेस दूर हो जाता है, और ये जो व्यष्टिगत शरीर, व्यष्टिगत मन, व्यष्टिगत आत्मा है ना, इसके स्थान पर समष्टिगत शरीर तत्व, शरीर के मूल तत्व, मनस तत्व, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व के साथ हमारा संपर्क स्थापित हो जाता है। इसी को बोलते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाधरितम भ्रात तत् प्रज्ञा श्रुतमान प्रज्ञाभ्यम अन्य विशेष विशेषार्थत्वात् तज्जह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यात् निरोधे सर्व निर्धारण निर्विज समाधि प्रसाद संज्ञानाम गुणानाम प्रतिप्रसवह कवलम सर्व प्रत्यवचित शक्ति। योग के जितने भी लाभ है ना वो सब मिलेंगे आपको, खाली आप प्राणायाम करो, एक ही प्राणायाम। अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान, एक एक व्यक्ति में मन का अपरिमित शक्ति है। जो शक्ति राम में थी, जो शक्ति भगवान कृष्ण में थी, जो शक्ति भगवान बुद्ध में, भगवान महावीर में, जो शक्ति हनुमान जी में थी, जो शक्ति स्वामी विवेकानंद में, जो शक्ति महर्षि दयानंद में, जो शक्ति आदि शंकराचार्य जी में, जो शक्ति श्री अरविंद में थी, जो शक्ति तमाम ऋषि मुनियों में थी, गौतम कप का जैमिनी महर्षि, पाणिनि पतंजलि महर्षि, विश्वामित्र महर्षि, वाल्मीकि, जितने भी ऋषि मुनि भी, सब के अंदर एक ही तो है सबका आत्मा, सबका अस्तित्व। आप प्रणाम करो। आप चलो मैं जो कह रहा हूँ इसको आप एक्सपीरियंस करके देखना। करोड़ों लोगों पर हमने एक्सपीरियंस किया है ना, जिनका बीपी था उनका बीपी ठीक हो गया, शुगर था आधा घंटा कपाल भाती करने से डीजनरेट हुए पेनक्रियाज के सेल रीजनरेट हो जाते हैं, पेनक्रियाज के बीटा सेल जो डीजनरेट हो चुके हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं। बड़ी बात कह रहा हूँ आपको, हड्डियों के वो बैलेंस हो जाते हैं, तो बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्वेशन एकदम 100% एब्सोल्युटली राइट, हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म एकदम परफेक्ट, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, ये सब खत्म। मैं कह रहा था 99%, देखो 1% आवाज छोड़ दो, 99% आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसकी, शुगर की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, लेकिन बस रेगुलर योग की प्रैक्टिस। हाँ ये शर्त है, कंटिन्यूअस योग प्रैक्टिस, नो बीपी टैबलेट, नो कोलेस्ट्रॉल टैबलेट, नो शुगर टैबलेट, नो आयरन टैबलेट, नो आयरन कैप्सूल, नो कैल्शियम टैबलेट, नो स्ट्रेस, नो थायराइड, नो न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिशन, नो विटामिन टैबलेट, नहीं कुछ नहीं जरूर, ये तो गोलियां खाते हैं हम, पेन किलर्स, नो आपको पेन होगा ही नहीं, यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा, यूरिया नॉर्मल हो जाएगा, आपका सब कुछ आर ए फैक्टर, ESR सब कुछ, मैंने कहा पूरा हड्डियों का मेटाबॉलिज्म ही, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बैलेंस हो जाएंगे, कोई पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो दवाइयां खाते हैं। फिर देखो अभी मेरे साथ करो, आपको अभी आप अनुभव करेंगे स्ट्रेस दूर हो जाएगा। हाँ पहले मेरी माथे पर शीश से मेरे से आंखों पर रखना, मन एकदम शांत,
ऐसे 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार जितना वक्त ऐसे भ्रामरी करना। तो दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर रख लेना, आंखें बंद, मेरे दंड सीधा, लंबा गहरा सांस भर के ओंकार का उद्घोष कर। मौन हो जाना, साइलेंस, सहज, शांत, सांसों पर मन को टिका और साक्षी हो कि सहज श्रद्धा पूर्ण अपने अंतर जगत में प्रवेश करना। जो भगवान मस्तिष्क में सदा प्रेरणा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, सही और गलत, अच्छे और बुरे का, शुभ अशुभ का निर्णय करने की शक्ति मति भगवान ही देता है मस्तिष्क। जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं तो अपना आत्मा अपने को वैसा करने से रोकता है, कोई सत्कर्म करते हैं तो आत्मा साथ देता है, मस्तिष्क में वो प्रभु ज्ञान बनकर के प्रतिष्ठित, आँखों में वही ज्योति दृष्टि बनकर के विद्यमान है, कानों में सुनने की शक्ति, शरीर में प्राण शक्ति, हाथों में काम करने की, पूरे जीवन में वही शक्ति, वही जीवन देने, वही वक्त होने पर वापस बुलाने, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रभु जीवन तेरी कृपा का प्रसाद, मृत्यु तेरी घर का आमंत्रण, तो जिंदगी दे तो मौत दे, तो सुख दे तो दुख दे, सब प्रभु या धेरे ये उजाले सब तेरी ही कृपा के प्रसाद है प्रभु, बस सब कुछ सहने की शक्ति देना प्रभु अपने शरण में। हे नाथ हे नारायण, मैं चित करूँ हर श्वास के साथ प्रभु की कृपा का एहसास। दुनिया में हम जिसको सुख बोलते हैं, सुख है क्या जब प्रिय रूप, प्रिय शब्द, प्रिय स्पर्श, प्रिय स्वाद, जब हमको कोई ये सुख जिसको हम कहते हैं, ये क्या, ये हम ठहर जाते हैं, तो ठहरने का नाम ही योग है। जब आप ठहर जाते हो, मौन हो जाते हो, तो वही तृप्त हो जाते हो, शांत हो जाते हो, तो यही शांति है, यही सुख है, यही तृप्ति है, यही मुक्ति है।
जब आप प्राणों के साथ ठहर जाते हो, तत्त्वमशिष्यत कृत प्रज्ञानम ब्रह्म एम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, इनकी अनुभूति आपको स्वतः होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, स्वास्थ्य चाहिए, सुख चाहिए, संतुष्टि चाहिए, संतुष्टि चाहिए, तृप्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो आप बस अपने भीतर सब कुछ। ऐसे हर रोज ध्यान करना, ध्यान से आपको शक्ति मिलेगी, दोनों हाथों को ऊपर उठाना, भक्ति से आपको शक्ति मिलेगी। जैसे शरीर की खुराक आहार है, खाना है, इंद्रियों की खुराक है अच्छे विषय, मन की खुराक है सम्मान, आत्मा की खुराक है परमात्मा की भक्ति, और हम सब आत्मा ही है। ये इंद्रियां, ये मन, ये शरीर तो अपना उपकरण है। आज पूरा का पूरा परिवार यहाँ है और बच्चों के साथ आप आए हैं। बच्चों को यदि बचपन में ही आप सत्संग में लेकर के आ जाते हैं तो उनको इतने ऊंचे संस्कार मिलते हैं कि फिर दुनिया की कोई ताकत तो उनको बिगाड़ नहीं सकती, उनको राह से विचलित नहीं कर सकती। बच्चों को विरासत में मात्र संपत्ति ही नहीं, संस्कार देकर के जाना, और यही सबसे बड़ी चीज है। अब मैं आपको उपचार की बात करता हूँ। किसी के बाल झड़ते हो तो क्या करना? एक तो नेल से रगड़ लेना पीछे से, समझ में आया ना, ऐसे नाखून। फिर दिव्य केस तेल लगा लेना आश्रम का। फिर कपाल भाति अनुलोम विलोम कर लेना। अरे हमने तो जिनकी खोपड़ी के पूरे बाल उड़ गए थे, मैदान साफ हो गया था, उनको दोबारा से खेती करवा दी दिव्य केस तेल। सच्ची बात बता रहा हूं आपको, अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। बाल झड़ते हैं तो दिव्य केस तेल लगाना, ऐसे रगड़ना, आंवले का सेवन करना किसी भी रूप में। जैसे किसी को कब्ज रहता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, आंखें भी कमजोर हैं, स्किन डिसऑर्डर है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है, डायबिटीज और बीपी के कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेट खराब रहता है, पेट साफ नहीं होता है, इंडाइजेशन है, जोड़ों में दर्द है, आंवला ले अरेवेरा का जूस, ये तो चार चार चम्मच रोज पी लिया करो सबके लिए। ऐसे हेल्थ टॉनिक भी है, फूड सप्लीमेंट्स के तौर पर, हेल्थ टॉनिक के तौर पर। अब क्या क्या खाते रहते हैं, बच्चों को क्या क्या खिलाते रहते हैं। एक तो ये सारे विदेशी टॉनिक खाना बंद करो, फूड सप्लीमेंट के तौर पर भी आयुर्वेद का ही सेवन करो। बच्चे हॉर्लिक्स, बोन वीटा, कॉम्प्लॉन और पता नहीं क्या क्या, और आजकल तो एक कोका कोला और पेप्सी पीने लग गए, ये तो सबसे घटिया चीज। इसको तो हमने नाम दिया है, सब बच्चे भी आए हुए हैं, हमने क्या नाम दे रखा है बोलो, टॉयलेट क्लीनर। आप भूले नहीं है, जोर से मेरे साथ बोलेंगे, ठंडा मतलब सबको बोलना है टॉयलेट क्लीनर। इतनी जोर से बोलो कि कोका कोला और पेप्सी वाले भी होश में आ जाए हैं। बहुत इन्होंने नुकसान किया है, इस देश के करोड़ों लोगों को बीमार किया है, हड्डियों की बीमारी, कैंसर की बीमारी, मोटापा की बीमारी, शुगर की बीमारी के लिए जिम्मेदार है कोका कोला पेप्सी। मेरे साथ जोर से बोलेंगे, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। आगे से तो आवाज आई, पीछे वाले क्या टॉयलेट क्लीनर पीते हैं क्या? जोर से बोलो, बच्चे भी बोलो, बड़े भी बोलो, ठंडा मतलब अब ये टॉयलेट क्लीनर नहीं पीना है, कोका कोला पेप्सी से लेकर के कोई भी विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करना। जब हम विदेशी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो देश का पैसा किसको चला जाता है? विदेशी कंपनियों को, विदेश में चला जाता है। देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? तो देश का पैसा रहे देश में, लूटे ना अत्याचारी, लूटे ना भ्रष्टाचारी। ये विदेशी कंपनियां भी बहुत लूट रही है देश को। तो भाई बहनों, बच्चों को हॉर्लिक्स, बोनवीटा, कॉम्प्लॉन नहीं, बच्चों को च्यवनप्राश खिलाओ, इतना अच्छा है, एक चम्मच खिला दीजिए। ये च्यवनप्राश वो च्यवनप्राश है जो च्यवन ऋषि ने खाया था, बुढ़ा च्यवन ऋषि जवान हो गया था। हाँ, आप ये मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, हाँ ये खाया करो, आओ इधर आओ, बाद में सब खा लेना, आ जाओ इधर, यही काम करो। हाँ चलो, और दूसरा सेब का जूस पीना, कोका कोला नहीं पीना, हाँ ठीक है ना। बच्चों को बादाम पाक खिलाया करो, बादाम पाक खिलाओ बच्चों को, च्यवनप्राश खिलाओ, और लिक्स बोन विटाई में कॉम्प्लॉन बॉय, डब्बा डब्बी के आदमी हो गए। नहीं, बच्चों को अच्छी चीज़ खिलाइए, आप भी अच्छी चीज़ खाइए पिए। ये बच्चों को एक चम्मच आंवले का जूस रोज पिला दिया करो, च्यवनप्राश खिला दिया करो, 100 साल तक आँखें ठीक रहेंगी। चार चम्मच आंवला, चार चम्मच एलोवेरा जो पी लेगा, ये सबसे अच्छे हेल्थ टॉनिक है, एकदम फर्स्ट क्लास तबीयत रहेगी, पेट एकदम साफ रहेगा, गैस नहीं बनेगी, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, चेहरे पर रिंकल्स नहीं आएंगी, पारिया की बीमारी नहीं होगी, गैस कब्ज, एसिडिटी नहीं होगी, सब कुछ ठीक रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट की बीमारी नहीं होगी, शुगर बीपी की बीमारी नहीं होगी, इतनी अच्छी चीज़ है। तो मैं बात कर रहा था
जिनके बाल झड़ते हैं ना, वो भी आंवले का जूस पी लिया करो। ये आंवला बालों के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए, पेट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, सब चीज़ों के लिए अच्छा है। ये डिजनरेशन नहीं होने देता बॉडी में। आंवला और एलोवेरा से डिजनरेशन रुक जाएगा तो लाइफ स्टाइल डिजीज नहीं होंगी फिर आपको। खैर, मैं आपसे बात कर रहा था बालों के लिए, बालों के बाद आंखों के लिए। आंखों के लिए आंवले का जूस सुबह उठ करके मुंह में पानी भरना, ठंडे पानी से आंखों को धोना, ये आंख का पॉइंट भी दबा लेना और अनुलोम विलोम ये प्राणायाम करना। आंख 100 साल तक चश्मा नहीं आएगा। आपके सामने मैं रहूंगा, 100 नहीं, 150 नहीं, 200 साल तक रहूंगा, आंख एकदम ठीक रहेंगे आपके। योग करो, प्राणायाम करो, एक एक सेल को ऑक्सीजन मिलेगा तो सेल्स में डिजनरेशन नहीं होगा। ये अनुलोम विलोम। और आंख में ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो एक दृष्टि करके आई ड्रॉप हम बनाते हैं, वो ले लेना, एक एक बूंद डाल लेना, घर में ही बना सकते हो। एक चम्मच अदरक का रस छिलका उतार के, एक चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, एक चम्मच नींबू का रस, अदरक, नींबू और सफ़ेद प्याज एक एक चम्मच, तीन चम्मच शहद, ये मिला के रख लो, एक एक बूंद आँख में डालो। ये दृष्टि करके आई ड्रॉप इतनी ज़बरदस्त है, एक एक बूंद डालो चश्मा ही दूर हो जाता है, कैटरेक्ट ग्लूकोमा तक ठीक हो जाता है। जिन बच्चों को आंखों में एलर्जी रहती है, पढ़ते समय आंखें दुखने लगती हैं, किसी किसी को आंखों में पानी आता है, डिप्लोपिया की प्रॉब्लम, कलर विजन की प्रॉब्लम, बहुत तरह की आंखों की एलर्जी से लेकर के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा तक और डबल विजन कलर विजन तक, सब प्रॉब्लम्स इससे दूर होती है। आप घर में ही बना सकते जो आपको हमने बताया, ये आंखों के लिए। ऐसे ही फिर जिनके कान बहुत खराब हो, कपाल भाती, अनुलोम विलोम करना। और सारी वाद्यावटी चंद्रभावटी शिलाजीत रहस्य, एक औषध दर्शन पुस्तक है, उसमें सब उपचार लिखे हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। फिर ऐसे दांतों में पारिया हो जाता है तो क्या करें? एक तो जबी भी नाश्ता करें, खाना खाएं, तो दांतों को साफ जरूर करें। अक्सर हम लोग जो है ना, चाय पी लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, कुछ भी ऐसे दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, बादाम खा लिया, काजू खा लिया, साफ नहीं करते, बीच में कचरा रहता, वही खतरा बन जाता। 100 साल तक आपके दांत ठीक रहेंगे, बस कुल्ला ठीक से कर लो। और फिर जो ब्रश आपको मंजन करना है तो मंजन आप घर में बना के करो, या तो 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम नमक, 100 ग्राम फिटकड़ी का फूला, 100 ग्राम त्रिफला, 100 ग्राम नीम के या बबूल की छाल, नीम के पत्ते, नीम की छाल, बबूल की छाल, 20 ग्राम लविंग, ये मिला करके। हमने करोड़ों लोगों के दांत इससे ठीक किए और करोड़ों लोगों ने अपने घरों में बनाना शुरू कर दिया है मंजन। अपने घरों में बनाते हैं और पूरे परिवार का खर्चा साल भर का कितना, ये नमक हल्दी कितना लगता है इसमें? अरे अपने नमक लो हथेली में, थोड़ा हल्दी डाल दो और थोड़ा इसमें सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल आपको एकदम 100% शुद्ध उपलब्ध कराते हैं हम। ये सब खाने पीने की चीज़ें में नकली आने लग गई थी, वो डाल करके कर लो ऐसी हल्दी और खाली नमक ही आप ऐसे ही साफ करें। नमक तो सब कुछ एक सफाई के लिए सबसे अच्छा होता है। हमेशा मसूड़ों की मसाज हमेशा अंगुली से करनी चाहिए, ब्रश से नहीं। आजकल ब्रश के नाम पर 50, 60, 70, 80, 100 रुपए की ब्रश बेचते हैं, हमने 8 रुपए की ब्रश उपलब्ध कराई है। और मालिश ब्रश से नहीं करना दांतों की, अंगुली से, या दांतों बबूल या नीम की मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अंगुली से मसूड़ों की मसाज किया करो। और ये टूथपेस्ट भी विदेशी मत लिया करो, उसमें तो खाली जहर है, केमिकल्स हैं। आयुर्वेदिक टूथपेस्ट किया करो, मंजन किया करो, मंजन सबसे अच्छा होता है, आश्रम का मंजन भी बना के हम देते हैं। ये टूथपेस्ट है, अब इसमें जड़ी बूटियाँ हैं, इसमें 13 जड़ी बूटियाँ हैं, अकरकरा है इसके अंदर, और फिर इसके अंदर नीम है, बबूल है, तोमर है, पुदीना है, लौंग, जावित्री, और फिर ये वज्रदंती, माजू फल, फिर विडंगा, हल्दी, पीलू, और ये सब इसके अंदर। ये टूथपेस्ट क्या करो, आज हमारे दांत देसी हैं लेकिन टूथपेस्ट विदेशी, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, बाल देसी, शैम्पू डॉ, क्लिनिक प्लस, पैंटेन, हमारी चमड़ी देसी, इसके ऊपर लगने वाला फेयर एंड लवली, ये विदेशी, कोई फेयरनेस नहीं आती उससे। एलोवेरा का जेल लगाया करो, वो सबसे अच्छा है स्किन को नेचुरली प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये इतना अच्छा होता है। हमने देखो ये ब्यूटी क्रीम भी बनाई, एंटी रिंकल क्रीम भी बनाई है आपकी जानकारी के लिए, और ये उस फेयर एंड लवली से 1000 गुना अच्छी और उससे सस्ती है। एंटी रिंकल क्रीम जो विदेशी कंपनियां बनाती हैं उससे हमने 4 गुना 5 गुना सस्ता दाम रखा, उनसे 1000 गुना अच्छा बनाया। ठीक है किसी को रिंकल ज्यादा है तो यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल तो इतना जबरदस्त होता है, आप 2-3 महीने लगाइए, आपको कोई स्किन का प्रॉब्लम रह ही नहीं सकता। आप घर में लगा सकते हो, मैं तो कहता हूँ एलोवेरा, गिलोय और तुलसी,
अमृत बल्ली बोलते हैं, तपती गो बोलते हैं, उसको आप घर में प्रयोग किया करो। गिलोई तुलसी एलोवेरा, एलोवेरा जल इतना अच्छा होता है। एलोवेरा जूस देखो, एलोवेरा जूस पीने से स्किन की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द तो रहता ही नहीं है। बहुत अच्छी औषधि है वो एलोवेरा, तो हर घर घर में प्रयोग करो। और मेरे का टूथपेस्ट यही प्रयोग करो, स्वदेशी, विदेशी टूथपेस्ट नहीं। अब वो जो टूथपेस्ट है उसमें खाली केमिकल होते हैं और 50 रुपए का आपको देते हैं, वो 50 रुपए का 100 ग्राम, हम 100 ग्राम आपको 30 रुपए का उपलब्ध करा रहे हैं, उससे 1000 गुना अच्छा। ये मेडिकेटेड है, यदि विदेशी कंपनी मराती है तो उसको 300 रुपए का बेचती। ये बच्चों को भी यही कराओ, बहुत छोटे बच्चों के लिए अभी हमने इसका एक थोड़ा सॉफ्ट इसका एक और बना दिया है, वो भी अभी जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। ये और इसके करने से आपके दांत 100 साल तक अच्छे रहेंगे। आप कोलगेट कर करके, पेप्सोडेंट कर करके, क्लोजअप कर करके आपके दांत और खराब होंगे। और आजकल तो बोलते दो दो बार करो, और ब्रश कर करके दांतों की लेयर ही खत्म कर देते हो, फिर ठंडा गर्म पानी लगता है। ये अंगुली से मसाज करनी चाहिए मसाज। भाई बहनों, ये आपको मैंने इसके बारे में बताया। योग विज्ञान कार्यक्रम में अब बड़ी बीमारियों की बात करते हैं। बीपी के लिए, बहुत ज़्यादा बीपी हो तो थोड़ा लौकी का, लाव का, घिया का, सुरेकाई का, इसको दूधी, जो भी हम दूधी भोपला जो भी बोलते हैं आप, तो उसका जूस पी लो, मुक्तावटी खा लो, दो दो गोली सुबह शाम। बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुमक्खी, खाली पेट खाओ और प्राणायाम निरंतर कर लो। कल मैं पूछ रहा था तो एक छोटी 33 साल का बेटा बोले, बाबा जी मुझे तो ऊपर का 180 नीचे का 120 बीपी हो गया था, खाली एक मुक्तावटी खाता हूँ और प्राणायाम करता हूँ, ठीक हो गया। 33 साल में बीपी हो गए, बीपी, शुगर, फिर इसी तरह से जोड़ों का दर्द, एलोवेरा सबसे अच्छा। जिनकी हड्डियां कमजोर हो, मांसपेशियां कमजोर हो, थोड़ा चंद्र प्रभाव टी शिलाजित रसायन और ले लेना, बहुत अच्छा रहता है उसके लिए। देखो मैं 2-4 बीमारियों के ऊपर तो बाद में और बात करता हूँ। जैसे किसी को जनरल वीकनेस रहती है, दिन भर शरीर टूटा टूटा, थका थका सा, और ऐसे मतलब कमर दुखती है, ऐसे मांसपेशियां पेन करने लगती हैं, पिंडलियां पेन करने लगती हैं, पूरा शरीर दर्द करने लगता है, खास करके 40 साल 50 साल के आसपास ये प्रॉब्लम आ जाती है, आजकल तो 30 साल में आने लग गई। तो आप अश्वगंधा कैप्सूल ले सकते हैं, चंद्र प्रभाव टी, या शिलाजीत रसायन सबसे बेस्ट है। शिलाजीत रसायन एक गोली ले लो और एक अश्वगंधा का कैप्सूल ले लो, दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे। ये नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स हैं। आजकल एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर, एनर्जी टॉनिक्स के नाम पर क्या क्या नहीं खाते हम लोग। फिर जो बार बार बुखार हो जाता है, बार बार सर्दी जुकाम एलर्जी, तो वह गिलोय की गोली खा लिया करो, गिलोय घनवटी, अमृतबल्ली, तेपतिगा, गुड़ूच, गुर्च, गिलोय, गुड़वेल, अलग अलग नाम है उसको, गड़ो, गिलोय, अमृता, ये इसकी गोली खा लो, इससे इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो जाता है। और जिनको सर्दी जुकाम बुखार बार बार होता, वो होगा ही नहीं, मैं तो कहता हूँ एक बार भी आपको बुखार ना हो। कहते हैं ना राम राज्य में कोई किसी को बुखार नहीं होता था, राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं था, और राम राज्य में कोई अल्पायु में नहीं मरता था, क्योंकि सब योगाभ्यास करते थे, जड़ी बूटियों का उपयोग किया करते थे, ईमानदारी से जिंदगी को जीते थे। ये राम राज्य, ये ईश्वर का साम्राज्य फिर से इस देश में लाना है और भारत को स्वर्ग भूमि बनाना है, ये तो काम करना ही अपने को, इसी के लिए तो आप सब आए हैं। भाई बहनों, ऐसी छोटी छोटी बीमारियों के बारे में और बात करता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कब्ज है, तो कब्ज है तो ये कब्ज तो कॉमन प्रॉब्लम है। कब्ज के लिए चूर्ण मत खाना, चूर्ण खाने से आंतें कमजोर हो जाती है, चूर्ण मत खाया करो। ये तो इमरजेंसी में कभी खा लिया तो अलग है, कॉन्स्टिपेशन के लिए रोज चूर्ण मत खाया करो, इससे आंतें कमजोर होंगी और शरीर में कमजोरी आएगी। जो आवश्यक शरीर के पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, ये सब निकल जाते हैं पेट साफ करने वाले चूर्ण से, वो कभी नहीं खाना। आंतें कमजोर होंगी, शरीर कमजोर होगा। आंवला जूस पीना, इससे आंतें भी मजबूत होंगी, शरीर भी मजबूत होगा, और शरीर के पोषक तत्व बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि पोषक तत्व आहार में से निकाल करके शरीर में, शरीर को मिल जाएगा। इतना अच्छा है आंवले का जूस, ये तो रोज पीना चाहिए, मैं खुद पीता हूँ रोज आंवले का जूस, मैंने देखा इसका बड़ा अच्छा असर है। और जिनको कुछ को ना ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जेनेटिक आर्थराइटिस, जेनेटिक ही वीक होता है किसी किसी का पेट, इंटेस्टाइन, जेनेटिकली अस्थमा, तो जेनेटिक अस्थमा हो तो प्राणायाम करना, और उसमें थोड़ा च्यवनप्राश, शिलाजीत ले लेना, दूध में हल्दी ले लेना, और स्वासारी या त्रिकुटा शहद से चाट लो स्वासारी। आजकल खांसी बहुत हो जाती है किसी किसी को सर्दी में, तो खांसी के लिए तो स्वासारी सबसे अच्छा होता है। देखो हम एक बच्चों के लिए मैं खास बात कहना चाहता हूँ, बहुत से माँ बाप बच्चों को बुखार की दवाई दे देते हैं, बुखार की तेज दवा, टाइफाइड की दवा,
और पेट की कीड़ी की दवा, इससे बच्चों को शुगर हो जाती है। सुन लो कान खोल के, आजकल आपने टाइप 1 डायबिटीज बच्चों को बहुत हो रही है, सुना होगा। क्यों होती है? ये मैंने आपको रीजन बता दिया, इसलिए होती है। ये एक और बड़ा कारण, फर्टिलाइजर्स भी हैं, पेस्टिसाइड्स भी हैं, उससे कैंसर, टाइप 1 डायबिटीज और बच्चों को ब्लड कैंसर जैसी प्रॉब्लम और अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर ये बीपी शुगर और बीमारियां। लेकिन ये बच्चों को जो टाइप 1 डायबिटीज हो रही है, इसके 3 बड़े कारण। मैंने 99% जितने भी मेरे पास में हजारों पेशेंट आए टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे, उनके माँ बाप से पूछा, भाई तुम्हारे मम्मी पापा को, दादा दादी नाना नानी को किसी को डायबिटीज है? किसी को नहीं। तो मैंने पूछा, फिर इसको कोई कीड़े की दवाई दी? किसी ने कीड़े की दवाई दी, किसी ने बुखार की तेज़ दवाई दी। बुखार की तेज़ दवाई तो कई बार बच्चों को अपंग तक कर देती है। किसी ने कीड़े की दवाई दी, किसी ने बुखार की तेज़ दवाई दी, किसी ने टाइफाइड की दवाई दी। बच्चों को बुखार हो जाता तो गिलोय की गोली खिलाइए, कीड़ा हो जाता तो उसको विडंगासा और तमाम तरह की, मरवा का पत्ता है, आड़ू का पत्ता है, कितनी चीज़ें हैं कीड़े के लिए, तो कमीला चूर्ण है। फिर ये जो हो जाता है बच्चों को टाइफाइड, बड़ों को, किसी को भी टाइफाइड के लिए जो अंग्रेजी में दवाई दी जाती है, बड़ी खतरनाक होती है और उससे टाइफाइड ठीक होने में भी बहुत वक्त लगता है। 3 दिन के अंदर टाइफाइड ठीक हो जाता है, बुखार आदि ठीक हो जाता है, और टाइफाइड फिर 7 दिन तक दे दो तो मतलब ही नहीं। ये 3 चीज़ें हैं, लिख लीजिए आप लोग, याद कर लीजिए, अंजीर, मुनक्का और खूब कला, सब याद कर लो। टाइफाइड की एकदम 100% क्योर करने वाली दवाई है, ऑथेंटिक, साइंटिफिक, 100% लाभ देने वाली, चूक होती ही नहीं है। खूब कला, खूब कला एक जड़ी बूटी है, वो यहाँ जो जड़ी बूटियों का काम करते हैं उनसे मिल जाएगी। मुझे तो लगता है अब ये पतंजलि चिकित्सालयों में उपलब्ध करानी पड़ेगी, क्योंकि टाइफाइड के लिए बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। और वो बुखार, फिर एक बार बच्चों को टाइफाइड बचपन में हो गया, किसी को भी हो गया, मैंने देखो बाद में पूरी जिंदगी भर उभर ही नहीं पाते, इतना खतरनाक होता है। टाइफाइड के लिए खूब कला, छोटे बच्चों को 1 ग्राम, बड़ों को 2-3 ग्राम, 3 से 5 मुनक्का, 3 से 5 अंजीर, ये पानी में, 1 गिलास पानी में पकाओ, 50-60 ग्राम बच जाए तब इसको अच्छी तरह से रगड़ करके पानी पिला दो। सुबह, दोपहर, शाम 3 बार पिला सकते हैं, ज़्यादा है तो, नहीं तो सुबह शाम। और परहेज में चीकू खिलाओ, चीकू और दूध, और फिर नहीं माने बच्चे हैं तो थोड़ा दाल या खिचड़ी दे सकते हैं, पतली पतली खिचड़ी, बराबर का मूंग और चावल बराबर होना चाहिए खिचड़ी में, बस यही 3 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। और कैसे ही बुखार हो उसके लिए गिलोय का काढ़ा, आजकल वैसे हमने एक जरनाशक क्वाथ भी दे दिया है, कैसे ही बुखार हो एक बार काढ़ा पीने से बुखार ठीक हो जाता है। बुखार के लिए, उल्टी के लिए, दस्त के लिए एलोपैथी दवाइयाँ प्रयोग करते रहते हैं, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो मैं डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहा था ये, और बच्चों की डायबिटीज़ वो, और उसी बुखार, छोटी छोटी बीमारियाँ, इनसे हम ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही जैसे कोई अंडरवेट है तो क्या करें, अंडरवेट है तो खजूर खाओ, डेट्स, खजूर, केला, अश्वगंधा, शतावर, ये वजन बढ़ाने में सबसे अच्छे होते हैं। माताओं बहनों की वेस्ट भी कम हो तो प्राणायाम करें और शतावर ले लें, जिनको जो फीडिंग की प्रॉब्लम है, जिनको माताओं बहनों को स्तनों में दूध पूरा नहीं होता है या स्तन का विकास पूरा नहीं होता है, तो जो BMI हमारी नॉर्मल होनी चाहिए, नहीं नॉर्मल होती है तो अपने को भी आत्मग्लानी होती है। तो जिन माताओं बहनों को ब्रेस्ट कम है वे भी ये शतावर ले लिया करें, और पुरुषों को जिनको शरीर में कमजोरी है, दुर्बलता है, वीक हैं, अंडरवीट हैं, अश्वगंधा शतावर का प्रयोग कर सकते हैं, खजूर दूध केला, ये वजन बढ़ाते हैं, और आम की सीजन में। तो खैर ये अंडरवेट्स के लिए बताया, ओवरवेट के लिए तो मैं रोज ही बताता हूँ, सुबह जब भी प्यास लगे गर्म पानी पियो, ग्रेन्स कम कर दो, वेजिटेबल्स बढ़ा दो, चबा चबा के खाना शुरू कर दो, महीने में आप 5 से 10 किलो वेट बिना किसी योगाभ्यास के कम कर सकते हो, बिना योगाभ्यास के 5 से 10 किलो, बस थोड़ा खाने पर कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। ग्रेन्स कम कर दो, वेजिटेबल्स खाओ ना, फ्रूट में कैसा, पपीता, अमरूद, जामफल, पपाया, सेवफल, और ये जो वाटरमेलन, बहुत यहाँ तो गोवा में तो जहाँ भी सड़क पे जाओ वहाँ पूरे पूरे ट्रक के ट्रक पड़े हुए हैं, दोनों तरफ लुढ़क रहे हैं ऐसे ऐसे, वो ये वाटरमेलन, इससे वजन नहीं बढ़ता है और तृप्ति हो जाती है, शक्ति भी मिल जाती है। तो जिनको वजन बढ़ा हुआ है गर्म पानी पिए जब भी प्यास लगे, मेदोहरवटी ले सकते हैं, मेदोहरवटी, ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ है, और ये गौमूत्र का अर्क हम उपलब्ध कराते हैं, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए भी,
जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ उनके लिए भी, जिनका मोटापा बढ़ा हुआ उनके लिए भी, ये स्किन डिसऑर्डर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। एक चम्मच ही ले लीजिए जो स्वस्थ व्यक्ति है, तो शरीर में टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंस कभी बढ़ेंगे नहीं, टीबी कैंसर जैसी कभी कोई बीमारी होगी नहीं। पहले गौ पालन किया करते थे, गाय का दूध पीते थे, गाय का घी खाते थे और गौमूत्र का सेवन कर लिया करते थे, सब स्वस्थ रहा करते थे। अब इसी चीज़ पर वापस हमको लाना है, ये ग्रामोद्योग में हम इसी को लेके आ रहे हैं। एक तो गाँव के अंदर ही स्वदेशी उत्पाद बनाना, फिर गाँव गौमूत्र आधारित, गोबर आधारित खेती, गोबर गौमूत्र से कीटनाशक खाद और उसी से पूरा प्रक्रिया आगे की, रोग मुक्त नशा मुक्त गांव, वो आदर्श ग्राम निर्माण की प्रक्रिया गोवा में भी शुरू की है। ये मैंने आपको मोटापे के लिए बताया। ऐसे ही ऐसे प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, जैसे किसी को स्किन डिसऑर्डर है तो कायकल्पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, नीम गिलोय घनवट्टी ले सकते हैं। मस्तिष्क बहुत कमज़ोर है, मेमोरी बहुत वीक है तो मेधा टीका सेवन कर सकते हैं। ऐसे हार्ट बहुत वीक है तो हृदयामृत, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है तो इसमें का तो कोई इलाज ही नहीं है, खाली प्राणायाम करें, हृदयामृत अर्जुन की छाल लें, इजेक्शन फ्रैक्शन 100% अच्छा हो जाता है, इसका कोई इलाज ही नहीं है एलोपैथी। ये मैंने आपको कुछ छोटे छोटे उपचार बताए। ऐसे तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स, छोटों को बच्चों की अलग बीमारियाँ हैं, बड़ों की अलग बीमारियाँ हैं, लेकिन ये मैंने कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स उनको आपके सामने रखा। योग विज्ञान, और किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। लो बीपी के लिए, हाई बीपी के लिए तो मुक्तावटी बता दिया, लो बीपी के लिए अश्वगंधा कैप्सूल और शिलाजीत ले लें। अश्वगंधा रिष्ट पी भी सकते हैं, डायबिटीज ना हो तो थोड़ा वो मीठा होता है। अश्वगंधा और शिलाजीत लेने से 100% लो बीपी ठीक हो जाता है। और निरंतर प्राणायाम का अभ्यास, जिनका बीपी 40 और 80 रहता था उनको भी हमने ठीक किया है, 30-40 सालों से। सिर में बहुत दर्द रहता हो तो बादाम रोगन नाक में डाल लिया करो, मेधावटी खा लिया करो, गाय का घी या बादाम रोगन नाक में डालो, सिर में दर्द रहता ही नहीं है। फिर प्रोस्टेट के प्रॉब्लम के लिए कपालभाति प्राणायाम सबसे बेस्ट है, 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटे तक कर सकते हैं। जिनका 80-90 ग्राम तक, 100 ग्राम 120 ग्राम तक प्रोस्टेट बढ़ गया था, फिर वो कैंसरस हो जाता है। कहीं पर भी गांठ हो या प्रोस्टेट बढ़ा हुआ हो, कपालभाति आधा आधा घंटा कर दो। लौकी का जूस, दूधी सूर्यकाई दूधी भोपला, इसके जूस में काली मिर्च और तुलसी पत्र मिला के पी लो, 5 काली मिर्च और 7 पत्ते तुलसी की, 100% प्रोस्टेट अच्छा हो जाता। किडनी श्रिंक हो गया तो भी, गीता केशवानी हमने सबसे पहली पेशेंट अच्छी की, या 8-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, उसके बाद तो मैंने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की श्रिंक हुई, किडनी ठीक की है कपालभाति करवा करके, इससे ठीक हो जाती। और फिर ज़्यादा ही किडनी की प्रॉब्लम हो तो वृक्क दोषर क्वाथ और वृक्क दोषर वटी ले लेना। कोलाइटिस के लिए सबसे अच्छा है, एक तो दूध बंद कर दें, घी मीठा, तीन चीज़ बंद करनी पड़ेगी, घी मीठा दूध। दूध पीते ही कोलाइटिस, तुरंत पीते ही दूध आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, इसलिए तो बंद करना ही पड़ेगा। छाछ पिए, तक्र 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 छाछ मज्जीगे ये पीना, तो इससे एकदम पेट अच्छा हो जाता है। और बेल का चूर्ण खाना, बिल्वा बिल्व का चूर्ण, और छाछ में लवण भास्कर हिंगवेस्टक चूर्ण ले सकते हैं, डाइजेशन भी एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा, भूख भी अच्छी लगेगी, शरीर में ताकत भी आ जाएगी और वो चिकना चिकना जाना बंद हो जाएगा। इसके लिए अनार दाड़िम बहुत अच्छा रहता है, अनार दाना भी खा सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं, जिसको जो अनुकूल पड़े। लेकिन अनार मैंने देखा, कहते हैं ना एक अनार 100 बीमार में, देखते हैं खास बीमारी में तो काम आता नहीं, लेकिन मैंने पेट के रोगों में देखा, पेट की बीमारी, पेट से ही सब रोग होते हैं, पेट की बीमारियों में किसी को आंतों में सूजन है, भूख ठीक से नहीं लगती है, वैसे पुरानी खांसी में भी अनार काम आता है, लेकिन ये जो कोलाइटिस के लिए तो अनार से बड़ी कोई औषधि ही नहीं है। अनार और बिल्व और तक्र, ये तीन औषधियां हैं कोलाइटिस के लिए। फिर ज़्यादा कोलाइटिस होता है तो गंगाधर बिल्वादि चूर्ण 50-50 ग्राम, शंख पर्तक मुताक्षति 10-10 ग्राम मिला करके, ये भी एक दो ग्राम खिला देते हैं। कुटजारिष्ट कोटज घनवटी दे देते हैं, थोड़ा चित्रकाटी भट्टी दे देते हैं, तो ये औषध दर्शन में हमने उपचार लिखा है पूरा। और कोई प्रश्न? स्पॉन्डिलाइटिस के लिए तो ये ऐसा ये अभ्यास है ना, ये ऐसे ऐसे ये सब अभ्यास ऐसे ऐसे, और चंद्र प्रभावटी शिलाजीत रसायन त्रोदशा गुग्गल ये दवाइयाँ, और ये सारे अभ्यास जो सूक्ष्म एम के करवाते हैं, फिर मकरासन भुजंगासन
और ये सलभासन आदि 100% सर्वाइकल अच्छा हो जाता है। कमर के लिए भी वही है, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, चंद्र प्रभावटी, शिलाजित रसायन, ये पॉइंट दबा लो, कमर का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। सर्वाइकल स्पोनालिटिस, एंकोलोजिंग स्पोनालिटिस, स्लिप डिस्क, सियाटिका, सब कुछ उससे अच्छा होता है। परिवार नियोजन के लिए मेरी तरह से ब्रह्मचारी रहो, कोई खतरा ही नहीं। दूसरा, मैं कुछ बातें बता रहा हूं, ये सबके लिए बहुत जरूरी बातें हैं। देखो, जितने भी जीव हैं संतान उत्पत्ति के लिए ही वो लोग मैथुन करते हैं, और आदमी का दिमाग खराब हो रखा है। बोले बाबा जी एक दिन में कितनी बार कर सकते हैं, मैंने कहा तुम मरेगा के बड़ा रखा। अरे भाई पागल क्यों रखे हो? क्या माता पिता बच्चों से और बच्चे माँ बाप से प्यार नहीं करते? वहां कोई वासना होती है क्या? आप और हम कितना प्यार करते हैं, इसमें कोई वासना थोड़ी है। तो पति पत्नी के प्रेम में ये चीज गौण है। दूसरी बात यह है, क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा कम करता हूं, लेकिन मैंने काफी जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं मैंने उनसे पूछा है, तो इस बारे में आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। कैंसर के लिए प्राणायाम बेस्ट है। आधा आधा घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करने से, प्राणायाम के इस अभ्यास से मैंने देखा हजारों लोगों का कैंसर मैंने ठीक किया, डिफरेंट प्रकार का। बाकी इसमें जो घरेलू उपचार में गेहूं का जवारा, गिलोय, तुलसी, गेहूं का जवारा, गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, नीम, ये 5 चीज़ों का रस पिलाते हैं, गोमूत्र पिलाते हैं और कुछ दवाई दे देते हैं, वो प्रयोग करने से कैंसर ठीक होता है। घुटनों का दर्द, हल्दी मेथी सूंठ खाओ, एलोवेरा का जूस पियो, सबसे अच्छा है। और चंद्र प्रभावटी और शिलाजीत रसायन सभी तरह के दर्दों के लिए अच्छा होता है। हल्दी मेथी सूंठ घरेलू इलाज है सबके लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। अब हिंदुस्तान को बचाने के लिए कुछ प्रामाणिकता से देखो, अभी हम इतनी बात कह रहे हैं इलेक्शन के बारे में और ये जो अच्छे लोगों को चुनने के बारे में। एक तो ये है कि इस बार गोवा वाले सब संकल्प ले लें कि जो गोवा की लूट के लिए, हिंदुस्तान की लूट के लिए जो गुनहगार और जिम्मेदार हैं, उनमें से तो एक भी व्यक्ति विधानसभाओं और लोकसभाओं में नहीं जाना चाहिए। ये पहला संकल्प तो सबको लेना पड़ेगा। उसके बाद में जो आगे की प्रक्रिया है ये बड़ी कठिन है, लेकिन मुद्दों के आधार पर फिर जो सहमत होंगे, कालाधन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को दिलाना, भ्रष्टाचार को प्रामाणिकता से मिटाना, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों से लेकर के गोवा के जो 5 मुद्दे उठाए हैं हमने, हम चुनाव से पहले यहाँ पर आएंगे और उन मुद्दों पर जो सहमति नहीं देगा उसको हराएंगे और जो सहमति देगा उसको जिताएंगे और जीतने के बाद उससे काम करवाएंगे। तो अब एक नई प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, तो आप लोग अभी तैयार होकर के जाओ, और अभी आपको वार्म अप करने आया हूं। दूसरा, अभी चुनाव से पहले मैं दोबारा आऊंगा। हमारे भाई जो कह रहे हैं वो मैं आपकी भावना से इस रूप में अवगत हूं कि सभी पार्टियों ने कमोबेश जो है धोखा दिया है, लेकिन आशा हमें रखनी चाहिए और आप विश्वास के साथ आगे बढ़िए। मैं इतनी बात कह सकता हूं कि अब भारतीय राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर है और अब परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं, और आने वाला जो समय है भारत का वो अच्छा होगा। बुरे दिन जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन सही दिशा में होगा, अच्छा ही होगा। थोड़ा आगे बढ़िए तो सही, अब ज़्यादा निराशावादी हम ना बने। तो खैर, आपकी जो बात है मैं उसकी इज्जत करता हूँ कि सच में बहुत लोगों को धोखा मिला है और वो विश्वासघात दोबारा ना हो, इसके लिए पूरा सबको सचेत रहना होगा। मैं अपने यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी एक बार मंच पर आमंत्रित कर लेता हूँ, जिससे कि उनको यादगार के लिए जिन्होंने यह शानदार यादगार ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है उनकी भी एक यादगार रहे। तो 2 ग्रुप्स में 3 ग्रुप्स में एक बार कार्यकर्ता उनका आमंत्रित कर लेता हूं मैं, जिससे कि उनका एक सामूहिक फोटोग्राफ कार्यकर्ताओं के लिए, जिससे कि उनका उत्साह बढ़े। और एक बार जोरदार तालियों से आप कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा दीजिए, उन्होंने ये शानदार ऐतिहासिक यादगार कार्यक्रम कराने के लिए पुरुषार्थ किया और आप सब ने इस अभियान को अपना अभियान माना और आप दिल से प्यार करते हैं, चल करके यहाँ तक आए और हमें अब लंबी यात्रा तय करनी है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।